तेरी कृपा तेरी दया तेरा अनुग्रह मुझ पे हुआ। तेरी कृपा तेरी दया तेरा अनुग्रह मुझ पे हुआ। यीशु मेरे यीशु मेरे यीशु मेरे यीशु मेरे यीशु मेरे यीशु मेरे यीशु मेरे। प्रभु की स्तुति हो। आज फिर एक बार से मैं आशीष खरे आप सभी लोगों के बीच संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्रीज में आप सबका मैं प्रभु परमेश्वर में आपका स्वागत करता हूं। आज की शाम हमें प्रभु परमेश्वर ने एकजुट किया है ताकि हम उनकी आराधना कर सकें, उनकी स्तुति कर सकें, इसलिए हम प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो आइए भाई और बहनों, आज की शाम हम हमारे प्रभु परमेश्वर के समीप इस गीत द्वारा हम जाएंगे, उनकी आराधना करेंगे, उनकी स्तुति करेंगे। गीत के बोल है, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। ये गीत सभी के लिए आसान सा गीत है और सभी ये गीत गा सकते हैं, मेरे साथ दोहरा सकते हैं। और ये आप मेरे साथ गाएं, मेरे साथ दोहराएं और प्रभु परमेश्वर की आराधना करें। इस गीत द्वारा हम प्रभु परमेश्वर को दया की याचना करेंगे, हमने किए हुए पापों के अपराधों की क्षमा मांगेंगे और प्रभु परमेश्वर की आराधना करेंगे। तो आइए जिस स्थान पर आप हैं उसी स्थान से आप ये गीत मेरे साथ गाएं, मेरे साथ दोहराएं और परमेश्वर की आराधना करें। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं, तेरी क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं, सर्वशक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगी। तू ही महा सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत, तेरी आराधना है मधुर गीत, तेरी
पाप क्षमा करी जीवन दे दे दया किया ना करूं तेरी आराधना करूं सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी महिमा का राज सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी महिमा का राज पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा हर पल सुनाते हैं आनंद का राग मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो हृदय से प्रार्थना करूं पाप क्षमा कर जीवन दे दे दया किया चिन्हा करूं तेरी आराधना करूं जीवन में ज्योति जला दे तुझसे लगी है ये आशा मेरी पतित जीवन में ज्योति जला दे तुझसे लगी है ये आशा मेरी पाप में दम तू दूर हटा दे पाप में दम तू दूर हटा दे पूर्ण हो अभिलाषा मेरी जीवन के दुखी कठिन क्षणों का दृढ़ता से सामना करूं पाप क्षमा कर जीवन दे दे दया किया चिन्हा करूं तेरी आराधना करूं तेरी आराधना करूं पाप क्षमा कर जीवन दे दे दया किया चिन्हा करूं तेरी आराधना करूं तेरी आराधना करूं पाप क्षमा कर जीवन दे दे दया किया चिन्हा करूं तेरी आराधना करूं इस गीत के लिए हम प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो आइए भाई और बहनों हम हमारी प्रार्थना के लिए अगली चरण में जाते हुए आज देखेंगे और सुनेंगे प्रभु परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं। मैं पास्टर संजय जेम्स ठाकुर साहब से विनती करता हूं कि वो आगे आए और हमें प्रभु परमेश्वर का सुसमाचार सुनाए। धन्यवाद। प्रभु की स्तुति हो। फिर एक बार हमारी मुलाकात बुधवार चौपस निमित्त बुधवार के दिन सोशल मीडिया द्वारा दर बुधवारी
हर बुधवार के दिन देव आमची भेट करून देतोस, परमेश्वर हमारे हमें मिलाते हैं, त्या देवास आम्ही धन्यवाद करता, उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। आपण सर्व घराघरात उपस्थित राहता, आप घर घर में मौजूद रहते हैं, ज्या विश्वासाने तुम्ही चालत आहात, जिस विश्वास में आप चल रहे हैं, देव विश्वास वाढवतो, परमेश्वर विश्वास बढ़ा रहे हैं, हिम्मत वाढवतो, हिम्मत बढ़ा रहे हैं, धैर्य वाढवतो, धीरज बढ़ा रहे हैं, अनुभव देतो, अनुभव देते हैं, तुम्ही सर्व अनुभव घेता, आप सभी लोग अनुभव ले रहे हैं, आम्ही देवाचं कौतुक करत आहोत, इसलिए हम परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं, देवाचं महिमा करत आहोत, परमेश्वर की महिमा करते हैं, आपण देवामध्ये तुमचं मी आम्ही कौतुक करत आहोत, हम आपका भी परमेश्वर में आपकी महिमा करते हैं, देवाच्या मध्ये परमेश्वर में तुम्ही चालत आहात, आप चल रहे हैं, दर बुधवारी उपस्थित राहता, हर बुधवार मौजूद रहते हैं, देवाचं वचन ऐकतात, परमेश्वर का वचन सुनते हैं, ते वचनपण करण्याचा प्रयत्न करतात, और उसके अनुसार चलने का प्रयास करते हैं, म्हणून देव अनुभव देतो, इसलिए परमेश्वर अनुभव देते हैं, देव आपला गौरव कोणास देत नाही, परमेश्वर अपना गौरव किसी को नहीं देते, ते देवाचं मी धन्यवाद करतो, उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, आपल्या सर्वांची उपस्थिती, आप सबकी मौजूदगी, विशेष करून नवीन लोकांची उपस्थिती, विशेष तौर पर नए लोगों की मौजूदगी, ये आदरणीय, ये आदर की योग्य है, ये प्रशंसनीय, प्रशंसा की योग्य है, देवाचं कार्य विस्तार करणारी है, परमेश्वर के कार्य को बढ़ाने वाली है, अपना सर्वांसमी, आप सबका मैं, संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्री मध्ये, संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्रीज में, देवाचा पुत्र प्रवेशिकस द्वारे, परमेश्वर के पुत्र प्रभु येशू मसीह के नाम में आपले सर्वांसमी आगत स्वागत करता हूँ, मैं आपका स्वागत करता हूँ, द्या आशेने तुम्ही देवाकडे येतात, जिस उम्मीद से आप परमेश्वर के पास आए हैं, देव आशा मनोभंग करत नाही, परमेश्वर उम्मीदें तोड़ने वाले परमेश्वर नहीं है, त्या देवावर आम्ही विश्वास ठेवतो, उस परमेश्वर पर हम विश्वास रखते हैं, आमची फजिती कधीच करत नाही, वो हमें फसाते नहीं, तो यश देणारा देव, वो सफलता देने वाले परमेश्वर है, तो विजय देणारा देव, वो विजय देने वाले परमेश्वर है, तो गौरवशाली देव, वो गौरवशाली परमेश्वर है, म्हणून आम्ही त्या देवाचं कौतुक करत आहोत, इसलिए हम वो परमेश्वर का प्रशंसा करते हैं, त्याचा अनुभव घेत आहो, उनका अनुभव लेते हैं, आज पुन्हा एक आम्ही, आज फिर एक बार हम कई गोष्टीचा बोध घेणार आहो, कुछ चीजों के बारे में देखेंगे, पण आज देवाचं मी प्रथम पुन्हा एक गौरव करत आहो, फिर एक बार से मैं परमेश्वर का गौरव करता हूँ, त्या देवाचं महिमा करत आहो, परमेश्वर की महिमा करता हूँ, ते स्वर्गीय देव जो बाप, देव जो पुत्र, देव जो पवित्र आत्मा, स्वर्गीय देव परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, जय जयकार करता हो, उसका हम जय जयकार करते हैं, हमें देवाला वेळी प्रार्थना करतो, हम परमेश्वर का समय समय प्रार्थना करते हैं, देव नेहमी हम ऐकतो, परमेश्वर हमेशा हमारी सुनते हैं, कारण देव आमच्यावर प्रेम करतो, परमेश्वर हम पर प्रेम करते हैं, सर्वांवर प्रेम करतो, सभी पर प्रेम करते हैं, या पृथ्वीवर सर्वांवर त्याचं प्रेम आहे, इस संसार के सभी लोगों पर परमेश्वर प्रेम करते हैं, आम्ही देवाला पावसासाठी प्रार्थना केली, हमने परमेश्वर के लिए बारिश के लिए प्रार्थना की, दोन आठवडे पावसाने देवाने उष्टी थांबवली, और दो ही सप्ताह में परमेश्वर ने बारिश को रोक दिया, आम्ही अनुभव घेता हो, ये हम अनुभव लेते हैं, 7 महीने देवाकडे प्रार्थना करता हो, हम परमेश्वर को निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं, कोरोना व्याधीसाठी प्रार्थना करता हो, कोरोना बीमारी के लिए कर रहे हैं, देव हळूहळू कोरोना व्याधीतून लोकांना मुक्त करता है, परमेश्वर धीरे धीरे कोरोना बीमारी से लोगों को चंगाई दे रहे हैं, अनेक गोष्टी मी प्रार्थना करता हो, अनेक चीजों के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, अनेक गोष्टी मी देवाला विनंती करता हो, अनेक चीजों के लिए हम परमेश्वर को विनती कर रहे हैं, देव काम करता है, परमेश्वर कार्य कर रहे हैं, देव म्हणला मी येत आहे, परमेश्वर परमेश्वर ने कहा कि मैं आ रहा हूँ, तो कसा येत आहे, वो कैसे आ रहे हैं, काय करता है, वो कैसे आएंगे, तो कसा आपला गौरव प्रकट करता है, वो किस तरह से अपना गौरव प्रकट करेंगे, उपासनानंतर मी तुम्हाला सांगेल, ये आराधना के बाद ये प्रार्थना के अंत में मैं आपसे बताऊंगा, त्यांनी मला सांगितलं, परमेश्वर ने मुझे बताया, ये सर्व मी निपटून टाकेन, ये सब मैं निपटा दूंगा, ये सर्व सुरळीत करेन, मैं सब ठीक कर दूंगा, तो करत आहे, वो कर रहे हैं, त्यांनी पाऊस थांबवला, उन्होंने बारिश को रोक दिया, लड़ाई मध्ये विसावा आणत आहे, वो जो युद्ध है उसमें उन्होंने विश्रांति लाई है, कोरोना व्याधीला तो संपवता है, कोरोना बीमारी को वो धीरे धीरे घरा रहे हैं, अनेक प्रश्न तो संपवता है, अनेक प्रश्न समस्या है वो गवा रहे हैं, अनेक गोष्टी तो सुलित करता है, कई सारी चीजें वो ठीक कर रहे हैं, यह मागे आमची प्रार्थना है, इसमें हमारी प्रार्थना है, अनेकांची प्रार्थना है, अनेक लोगों की प्रार्थना है, विश्वसनीय के लिए प्रार्थना, विश्वास से की हुई प्रार्थना है, कार्य करना समर्थ असते, वो कार्य करने के लिए समर्थ है, आमची प्रार्थना देव ऐकतो, हमारी प्रार्थना परमेश्वर सुनते हैं, आम्ही देवाकडे प्रार्थना केली पाहिजे, इसलिए हमें परमेश्वर को प्रार्थना करनी जरूरी है, देवाची मदत घेतली पाहिजे, परमेश्वर की मदत लेनी जरूरी है, देवाला हाक मारलीच पाहिजे, परमेश्वर को पुकारना जरूरी है, देव सर्व सुरळीत करतो, परमेश्वर सब ठीक करते हैं, देवाला अवघडस काहीच नाही आहे, परमेश्वर को नामुमकिन ऐसा कुछ नहीं, त्या देवाचा मी जयघोष करतो, उस परमेश्वर का हम जयघोष करते हैं, त्याच्या नावाची कीर्ती करतो, उनके नाम की हम कीर्ती करते हैं, त्याचा महिमा करतो, उनकी महिमा करते हैं, आज पुन्हा एक बार देवाचे वचन तो आम्ही काही गोष्ट बोध करतो आहोत, आज फिर एक बार हम परमेश्वर के वचन द्वारा कुछ चीजों के बारे में देखेंगे, मागील आठवडा आम्ही पाहिलं, पिछले सप्ताह हमने देखा, यशया 59 मध्ये आम्ही पाहिलं, यशया 59 में हमने देखा कि पहा उद्धार करत नाही इतका देवाचा हात तोकडा झाला नाही, उद्धार ना करे इतना परमेश्वर का हात छोटा नाही हुआ, ऐकू येत नाही इतकं त्याचं कान मन नाही, सुनाई ना दे ऐसे उनके कान धीमे नहीं हुए, तुमसे अपराध
आपके अपराध, तुमसे पाप, आपके पाप, यामुळे तो तुमसे ऐकत नाही, जिस वजह से परमेश्वर आपकी प्रार्थना नहीं सुनते, तो त्यामुळे तो तुम्हारा दर्शन देत नाही, जिस वजह से वो आपको दर्शन नहीं देते, पापामुळे अपराधामुळे देवामध्ये आमच्यामध्ये अडभिंत तयार झालेली आहे, हम में और परमेश्वर के बीच में पाप के कारण एक दीवार खड़ी हुई है, त्यामुळे तो आमसे ऐकत नाही, जिस वजह से हमारी प्रार्थना वो सुनते नहीं, त्यामुळे आम्हाला अनुभव येत नाही, जिस कारण हमें अनुभव नहीं आता, हे आम्ही मागील आठवड्यात पाहिलं, ये हमने पिछले सप्ताह देखा, पहले योहान 3:4 मध्ये पाहिलं, पहले योहाना 3:4 में हमने देखा, पाप म्हणजे स्वराचार, पाप मतलब स्वराचार, खुद के बारे में सोचना, आम्ही स्वतःच्या इच्छेने चालतो, हम खुद के इच्छा अनुसार चलते हैं, देवाचं ऐकत नाही, हम परमेश्वर की बात नहीं, आम्ही देवाच्या वचन विश्वास ठेवत नाही, परमेश्वर की वचन पर हम विश्वास नहीं रखते, आम्ही देवाच्या पुत्रावर विश्वास ठेवत नाही, परमेश्वर के पुत्र पर हम विश्वास नहीं रखते, देवाने तुमच्यासाठी माझ्यासाठी योजना केली, परमेश्वर ने आपके लिए हमारे लिए जो योजना की है, आमचं तारण व्हावा, हमारा उद्धार हो, हमारा जीवन भेटाव, हमें नया जीवन मिले, हमारा पवित्र आत्मा भेटाव, पवित्र आत्मा मिले, हमारा सार्वकालिक जीवन भेटाव, अनंतकालिक जीवन मिले, हमारा आशीर्वाद भेटाव, हमें आशीष मिले, हमसे हित का कल्याण आवा, हमारा कल्याण हो, यावर हम विश्वास ठेवत नाही, इस पर हम विश्वास नहीं रखते, ये पाप है, ये पाप है, आम्ही देवावर विश्वास ठेवतच नाही, हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखते, आम्ही आमच्या इच्छेने चालतो, हम खुद के इच्छा अनुसार चलते हैं, आम्ही आमच्या हट्टाने चालतो, हम खुद के जिद पर चलते हैं, यामुळे आमचा नाश होतो, जिस कारण हमारा नाश होता है, मागच्या आठवड्यात पाहिलं, ये पिछले सप्ताह हमने देखा, पापामुळे आमचा नाश होतो, पाप के कारण हमारा नाश होता है, पाप सर्व गोंधळ करून टाकतो, पाप पूरी तरह से हमें उलझा देता है, एदेन बागेत आदम हव्वाने पाप केलं, एदेन बाग में आदम और हव्वाने पाप किया, कुटुंबाची दानादान झाली, उनका परिवार बिखर गया, कुटुंबाचं नुकसान झालं, उनके परिवार का नुकसान हुआ, कुटुंबात दुःख आलं, कष्ट आलं, मृत्यू आला, उनके परिवार में दुख आहे, तकलीफ आहे, मौत आई, कुटुंबाने सर्व गमावलं, उस परिवार ने सब गवा दिया, कारण त्यांनी देवाचं ऐकलं नाही, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की बात नहीं मानी, त्यांनी सैतानाचं ऐकलं, उन्होंने शैतान की बात सुनी, त्यामुळे त्यांनी सर्व गमावलं, जिस कारण उन्होंने सब गवा दिया, आज आम्ही सर्व गमावलेलं आहे, आज हमने सब गवा दिया, आज आमच्याकडे शांती नाही आहे, आज हमारे पास शांती नाही, आमच्याकडे आनंद नाही आहे, हमारे पास आनंद नहीं, सुखी नाही आहे, हम सुखी नहीं है, जे काय करतो ते असफल होतो, हम जो कुछ करते हैं उसमें असफलता मिलती है, आमच्याकडे योजना आहे, हमारे पास योजना है, संकल्प है, संकल्प है, स्वप्न है, ख्वाब है, फेल होता, सब फेल होते हैं, कारण काय, कारण क्या है, पापामुळे आमचे सर्व गोष्टी फेल होतात, पाप के कारण हमारी सभी चीजों में असफलता मिलती है, बाइबल सांगतो, बाइबल कहती है, नीतिसूत्र 17:1 मध्ये, नीतिवचन 17:1 में, ज्या घरात मेजवानीची चंगळ आहे, जिस घर में खाने पीने की दावत है, पण तुझ्या घरात भांडण आहे, लेकिन तुम्हारे घर में झगड़ा है, तुझ्या घरात द्वेष है, तुम्हारे घर में अगर झगड़ा है, राग है, गुस्सा है, किरकिर आहे, क्रोध है, त्यामुळे तुझ्या घरात अशांती आहे, जिस वजह से तुम्हारे घर में अशांती है, तुझं घर व्यर्थ आहे, तुम्हारा घर व्यर्थ होय, आज घराघरात भांडण आहे, आज घर घर में झगड़ा है, घरात अशांती आहे, घर घर में अशांती है, लोक एकमेकांवर प्रेम करत नाही, लोक एक दुसरे पर प्रेम नहीं करते, एकमेकाला सांभाळत नाही, एक दुसरे को संभालते नाही, एकमेकाची काळजी घेत नाही, एक दुसरे की देखभाल नहीं करते, एकमेकाला क्षमा करत नाही, एक दुसरे को क्षमा नहीं करते, एकमेकाला क्षमा मागत नाही, एक दुसरे से क्षमा नहीं मागते, एकमेकाचा आदर करत नाही, एक दुसरे का आदर नहीं करते, सन्मान करत नाही, सन्मान नहीं करते, जो तो आपले इच्छेने चालतो, हर एक अपनी अपनी इच्छा अनुसार चलता है, मला सर्व समजतो, मुझे सब समझता है, मैं का समझूं गयो, मैं क्यों समझ के लूं, मैं का ऐकून गयो, मैं क्यों सुन लूं, यामुळे पाप होता, जिस वजह से पाप होता, देवाने आम्हाला प्रेम करना शिकवलं, परमेश्वर ने हमें प्रेम करना सिखाया, देवाने आम्हाला आदर सन्मान करना शिकवलं, परमेश्वर ने हमें आदर सन्मान करना सिखाया, त्यामुळे आमच्याकडून पाप होतो, जिस कारण हमसे पाप होता, आम्ही राग करतो, भांडण करतो, चिडचिड करतो, हम गुस्सा करते हैं, द्वेष करते हैं, सबसे एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, त्यामुळे आमचं जीवन उद्ध्वस्त होतं, जिस कारण हमारा जीवन पूरी तरह से बिखर जाता है, आमच्या कुटुंबात अशांती आहे, हमारे परिवार में अशांति है, सर्व गोंधळच गोंधळत आहे, पूरी तरह से उलझे हुए हैं, आम्ही देवाच्या आज्ञेचं मोडतोड करतो, हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते, त्यामुळे आमच्या घराची मोडतोड होते, जिस वजह से हमारा परिवार बिखर जाता है, याचं कारण पाप आहे, इसका कारण पाप है, पापामुळे सर्व परिस्थिती होती, पाप के कारण ये सब परिस्थिति है, पाप आम्ही सहज करतो, पाप हम यूं ही करते हैं, पाप आम्हाला चिटकून राहतो, पाप हमसे चिपका हुआ रहता है, पाप आम्हाला सोडायला तयार नसतो, पाप हमें छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता, बाइबल सांगतो, बाइबल कहती है, गन्ना 32:23 मधी, गिनती 32:23 में, देव काय म्हणतो, परमेश्वर ने क्या कहा, जर तुम्ही माझ्या आज्ञेचं पालन केलं नाही, अगर तुमने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, तर तुम्ही तुमच्याकडून पाप होईल, तो तुमसे पाप होगा, पाप तुम्हाला सोडणार नाही, पाप तुम्ही छोड़ेगा नहीं, पापाचे परिणाम तुम्ही भोगाल, पाप के परिणाम तुम भुगतोगे, तुम्ही संपून जाल, तुम खत्म हो जाओगे, पाप तुम्हाला संपूर्ण टाकेल, पाप तुम्हें खत्म कर देगा, पाप तुमचा नाश करून टाकेल, पाप तुम्हारा नाश कर देगा, तरी आम्ही सहज पाप करतो, फिर भी हम यूं ही पाप करते, त्यामुळे पापामुळे आमची दुर्दशा होती, जिस कारण हम पूरी तरह से बिखर जाते हैं, मी माझ्या कुटुंबाचं उदाहरण दिलं, मैंने अपने परिवार का उदाहरण दिया, आम्ही 14 वर्ष फिरत राहिलो, हम 14 साल तक घूमते रहे, देवाकडे आलो, परमेश्वर के पास आए, देवा आमची अशी परिस्थिती का आहे, परमेश्वर हमारी परिस्थिती ऐसी क्यों है, या परिस्थितीत मी बाहेर का येत नाही, हम इस परिस्थिती से बाहेर क्यों नहीं आ पा रहे, प्रार्थना करतो, उपवास करतो, दानधर्म करतो, हम प्रार्थना करते हैं,
हैं, उपवास करते हैं, दान धर्म करते हैं, सर्वगोष्ठी करतो, सभी चीजें करते हैं, आमची सुधारणा का होत नाही, फिर भी हम नहीं सुधर पा रहे। देवाने दाखवलं, परमेश्वर ने दिखाया, देवाने शिकवलं आम्हाला, परमेश्वर ने हमें सिखाया, तुमच्या पापामुळे तुमची परिस्थिती अशी आहे, तुम्हारे पापों के कारण तुम्हारी परिस्थिती ऐसी, त्यामुळे तुमची सुधारणा होतच नाही, जिस वजह से तुम सुधर नहीं पा रहे, त्यातून तुम्ही बाहेर येऊ शकत नाही, उसमें से तुम बाहर नहीं आ पा रहे। देवाने आम्हाला मार्ग दाखवला, परमेश्वर ने हमें मार्ग दिखाया, देवाने आम्हाला मार्गदर्शन केलं, परमेश्वर ने हमें मार्गदर्शन किया, आम्ही देवावर विश्वास ठेवला, हमने परमेश्वर पर विश्वास, देवाच्या आज्ञेचं पालन केलं, परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, आमचं जीवन बदललं, हमारा जीवन बदल गया, आमचं कुटुंब बदललं, हमारा परिवार बदल गया, देवाने आम्हाला पापातून बाहेर काढलं, परमेश्वर ने हमें पाप से बाहर निकाला, देवाने आमचं परिवर्तन केलं, परमेश्वर ने हमारा परिवर्तन किया, नंतर माझं कुटुंब दुर्धान झालं असती, नहीं तो मेरा परिवार पूरा धूल में मिल गया होता, धूळीस मिळालो असतो, हम धूल में मिल चुके होते, कंगाल झालो होतो, हम कंगाल हो चुके होते, देवाने त्यातून बाहेर काढलं, परमेश्वर ने हमें उसमें से बाहर निकाला, देवाने आमच्या पापाची क्षमा केली, परमेश्वर ने हमारे पापों की क्षमा की, देवाने आमचा उद्धार केला, परमेश्वर ने हमारा उद्धार किया, देवाने माझं घर वाचवलं, और परमेश्वर ने हमारा घर बचाया, पाप आम्हाला सोडत नाही, पाप हमें छोड़ता नहीं, पाप हमसे पीछा करतो, पाप हमारा पीछा करता है, ते आम्हाला सोडायला तयारच नसतो, वो हमें छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता, आमचा स्वभाव, हमारा स्वभाव आम्ही बदलू शकत नाही, हम बदल नहीं सकते, आम्ही किती स्वतःला बदलण्याचा प्रयत्न केला, हम खुद को कितने भी बदलने की कोशिश करें, तरी होत नाही, ये फिर भी नहीं हो पाता। बाइबल सांगतो, बाइबल कहती है, रोम क्रस पत्र, रोमियो का पत्र, 7:18 में पाउल काय म्हणतो, पाउल क्या कहता है, चांगले करणे करायची माझी फार इच्छा आहे, अच्छा करने की तो मेरी बहुत ऐसी इच्छा है, खूब वाटत चांगलं चांगलं करा, मुझे लगता है कि बहुत मैं अच्छा करूं, ऐसा चांगलं करण्याचा खूप प्रयत्न करतो, मैं अच्छा करने की कोशिश करता हूं, पण ते चांगलं काय होतच नाही, लेकिन मुझसे कुछ अच्छा नहीं हो पाता, वेगळंच काहीतरी होतं, वो कुछ और हो जाता, चांगलं करण्याचा प्रयत्न करतो, मैं अच्छा करने की कोशिश करता हूं, ते होत नाही, वो हो नहीं पाता, जे होणे ते करून बसतो मी, और जो नहीं होना चाहिए वो मैं कर बैठता हूँ। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? पॉल म्हणते मी ते शोधून काढलं। पॉल कहता है कि वो मैंने ढूंढ निकाला। असं का होतं? ऐसा क्यों हो रहा है? मी चांगले विचार करतो। मैं अच्छे विचार करता हूँ। चांगले कृती आणण्याचा प्रयत्न करतो। अच्छी चीजें लाने की कोशिश करता हूँ। तरी माझ्याकडून ते होत नाही। फिर भी मुझसे नहीं हो पाता। आम्ही भी प्रयत्न करतो। हम भी कोशिश करतो। चला चांगले वागण्याचा प्रयत्न करो। हम अच्छी कोशिश करते हैं। राग करू नये। हम गुस्सा ना करें, भांडण ना करू, हम झगड़ा ना करें, व्यसन नहीं करणार मी, नशा ना करें, चोरी नहीं करणार मी, चोरी नहीं करें, लबाड़ी करणार नहीं मी, झूठ नहीं बोलेंगे, रंगीलपणा करणार नहीं, कुछ गलत चीज नहीं करेंगे, अशा चुकीच्या गोष्टी मी करणार नाही, ऐसी गलत चीजें मैं नहीं करूंगा, आजपासून मी सर्व सोडून देतो, आज से मैं ये सब छोड़ दूंगा, आजपासून मी चांगला होण्याचा प्रयत्न करतो, आज से मैं अच्छा बनने की कोशिश करूंगा, आम्ही चांगला होण्याचा प्रयत्न करतो, हम अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, तरी पाप आम्हाला सोडत नाही, लेकिन पाप हमें नहीं छोड़ता, आमचा स्वभाव आमच्यामध्ये चिटकून राहतो, हमारा स्वभाव हमसे चिपका हुआ रहता है, त्यामुळे आमच्यामध्ये बदल होत नाही, जिस कारण हमें बदल नहीं हो पाता, हमें बदलाचा पहराव करू शकतो, हम हमारा बदला हुआ ये हम पहराव कर सकते, नकल करू शकतो, हम उसकी नकल कर सकते, पण आमचा स्वभाव बदलतच नाही, लेकिन हमारा स्वभाव नहीं बदलता, देव म्हणला तुम्हाला स्वतःला बदलता येणारच नाही, परमेश्वर ने कहा कि तुम खुद को नहीं बदल सकते, पावलाने शोधून काढलं, इसलिए पावल ने ढूंढ कर निकाला, असं का होतं, ऐसा क्यों होता है, तो म्हणला मी चांगलं करण्याचा प्रयत्न करतो, वो कहता है कि मैं अच्छा करने की कोशिश करता हूँ, पण चुकीचं मी करतो, लेकिन मैं गलत करता हूँ, याचं कारण पाप है, इसका कारण पाप है, माझ्या देह स्वभावात पाप आहे, मेरे स्वभाव में पाप है, त्या पापामुळे मी असं करतो, उस पाप के कारण मैं ऐसा करता हूँ, आमच्या जीवनामध्ये तेच आहे, हमारे जीवन में भी वही बात है, पुष्कळशा गोष्टी मी चांगला करण्याचा प्रयत्न करतो, कई सारी चीजें हम अच्छी करने की कोशिश करते हैं, ते होत नाही, लेकिन वो हो नहीं पाती, मी प्रयत्न करतो, हम कोशिश करते हैं, हम योजना करतो, हम योजना करते हैं, फेल, असफल, फेल, असफल, पापावर कोणी विजय प्राप्त करू शकतच नाही, पाप पर कोई विजय नहीं प्राप्त, पापाशक्ती कोण लढू शकत नाही, पाप से कोई नहीं लड़ सकता, कोणीच युद्ध करू शकत नाही, कोई युद्ध नहीं, स्तोत्र 49:7 मध्ये भजन संहिता 49:7 में लिखा है, 49:7 में हम पाहतो की देव म्हणतो, 49:7 में परमेश्वर ने कहा, कोणीच मनुष्य स्वतःला बदलू शकत नाही, कोई मनुष्य खुद को नहीं बदल सकता, दुसऱ्याला भी तो बदलू शकत नाही, वो दूसरों को नहीं बदल सकता, पापाची खंडणी एवढी मोठी आहे, पाप का भुगतान इतना बड़ा है, कोणीच ते फेडू शकत नाही, उसे कोई नहीं भर सकता, जो फेडायला जाईल तो संपून जाईल, जो उसे भरने जाएगा उसका नुकसान होगा, आम्ही पापावर विजय प्राप्त करू शकत नाही, हम पाप पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, आम्ही स्वतःला बदलू शकत नाही, हम खुद को नहीं बदल सकते, यासाठी देवाने येशू ख्रिस्ताला पाठवलं, इसलिए परमेश्वर ने प्रभु येशू को भेजा, येशूला पृथ्वीवर पाठवलं, प्रभु येशू को संसार में भेजा, येशूने पृथ्वीवरून कार्य केलं, प्रभु येशू ने संसार में कार्य किया, वधस्तंभी तो गेला, वो क्रूस पर गए, आमच्या पापामुळे तो वधस्तंभी गेला, वो हमारे पापों के कारण क्रूस पर गए, आमच्या पापामुळे त्याला वधस्तंभी शिक्षा झाली, हमारे पापों के कारण वो क्रूस पर उन्हें शिक्षा हुई, यशया 53 मध्ये पाहतो, यशया
53 में हम देखते हैं आमच्या अपराधामुळे तो घायल झाला, हमारे अपराधों के कारण वो घायल हुआ, आम्हाला होणारी शिक्षा त्याने आपल्यावर घेतली, हमारे हमें होने वाली जो शिक्षा थी वो उसने खुद पर ली, त्याला बसलेले फटकेने आम्हाला आरोग्य प्राप्त होतो, उनको दी गए हुए शिक्षा के कारण वो हमें चंगाई प्राप्त हुई, आमच्या पापामुळे येशू ख्रिस्त वधस्तंभी गेला, हमारे पापों के कारण प्रभु येशू क्रूस पर गए, वधस्तंभी जाऊन त्याने मृत्यू सहन केला, वो क्रूस पर जाकर वो मौत के बल गए, मरणातून तो पुनः उठला और मौत में से वो वापस जीवित हुए, त्याने पापावर विजय प्राप्त केला, उन्होंने पाप पर विजय प्राप्त की, त्याने मृत्यू विजय प्राप्त केला, उन्होंने मृत्यू पर विजय प्राप्त की, तो आम्हाला भी पापावर विजय प्राप्त करण्याची बोलवतो, वो हमें भी पाप पर विजय प्राप्त करने के लिए बुलाते हैं, आम्ही भी पापावर विजय प्राप्त करू शकतो, हम भी पाप पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, पापावर बाहेर येऊ शकतो, हम उस पाप से बाहर निकल सकते हैं, येशु ख्रिस्ताने त्याच्यावर विजय प्राप्त केलेला आहे, प्रभु येशु ने उस पर विजय प्राप्त किया है, पापाची त्यांनी व्याधी वधस्तंभी नष्ट करून टाकली, त्यांनी पाप को प्रभु येशु ने क्रूस पर नष्ट कर दिया, तिथे त्यांनी विजय प्राप्त केलेला आहे, उस पर उन्होंने विजय प्राप्त किया, तो पुन्हा उठलेला आहे, वो फिर से जीवित हुए, त्यांनी आपला मार्ग तयार केलेला आहे, उन्होंने अपना मार्ग तयार किया है, आता आमच्या समोर मार्ग आहे, आज हमारे सामने मार्ग है, आम्ही पापातून बाहेर येऊ शकतो, हम पाप में से बाहर आ सकते, आमच्या चांगली परिस्थिती येऊ शकते, हमारी अच्छी परिस्थिती आ सकती है, आमचा उद्धार होऊ शकतो, हमारा उद्धार हो सकता, आम्हाला देव क्षमा करू इच्छितो, हमें परमेश्वर क्षमा करते, यासाठी देवाकडे गेलं पाहिजे, इसलिए परमेश्वर के पास आना जरूरी है, देवाने आम्हाला बोलवलेलं आहे, परमेश्वर ने हमें बुलाया है, अहो कष्टी भारा कांजनों, हे बोझ से दबे हुए लोगों, माझ्याकडे या, तुम मेरे पास आओ, जे कष्टी आहे, जो कष्ट में है, जे भाराक्रांत आहे, जो बोझ से दबे हैं, जे पापामुळे कष्टी आहे, वो पाप के कारण कष्ट में है, पापामुळे ते भाराक्रांत आहे, वो पाप के कारण बोझ से दबे हैं, तो म्हणतो माझ्याकडे या, वो कहते हैं कि तुम मेरे पास आओ, मी तुम्हाला क्षमा करतो, मैं तुम्हें क्षमा करूंगा, मी तुम्हाला विसाव देतो, मैं तुम्हें विश्रांती दूंगा, पाप तुम्हाला विसाव देणार नाही, पाप तुम्हें विश्रांती नहीं देगा, हे पाप आहे, ये पाप है, पवन म्हणतो की चांगलं करण्याची इच्छा पण माझ्याकडून ते होत नाही, इसलिए पाऊल कहता है कि मेरी अच्छा करने की इच्छा है लेकिन ये मुझसे नहीं हो पाता, कारण माझ्याकडून ते होणारच नाही, क्योंकि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, यिर्मयाह 2:22 Iyyob 9:30 Iyyob 9:30 यिर्मयाह काय म्हणतो, यिर्मयाह क्या कहते हैं, Iyyob काय म्हणतो, Iyyob क्या कहते हैं, आम्ही स्वतःला बर्फाने स्वच्छ करण्याचा प्रयत्न केला, हमने खुद को बर्फ से साफ करने की कोशिश की, साबुन ने स्वच्छ करण्याचा प्रयत्न केला, साबुन से खुद को साफ करने की कोशिश की, तरी पापाचा डाग जात नाही, फिर भी पाप का धब्बा ये हमें छोड़कर जाता, पाप तसंच राहतो, पाप वैसे ही रहता है, आम्हाला आमचा स्वभाव जीवन बदलता येत नाही, हमें हमारा स्वभाव बदल हम बदल नहीं सकते, बाइबल सांगतो, बाइबल कहती है जुना स्वभाव गेल्याशिवाय नवीन स्वभाव येत नाही, पुराना स्वभाव नहीं जाता तब तक नया स्वभाव नहीं आ सकता, येशू किस काय म्हणतो, प्रभु येशू ने क्या कहा, दुसरे करंथियों 5:17 जुने ते मी काढून टाकन, पुरानी चीजें मैं निकाल दूंगा, नवीन गोष्टी निर्माण करून मी, नई चीजें मैं तुम्हें निर्माण करूंगा, येशकेल 36:25 क्या कहते हैं, मी पाषाण में हृदय काढून टाकल, मैं पत्थर से बना हुआ हृदय निकाल दूंगा, मांस में हृदय में तैयार कर, और मांस का हृदय मैं तुम्हें जुन्या गोष्टी में काढून नवीन गोष्टी तुमच्या मध्ये आणेन, पुरानी चीजें निकाल कर मैं नई चीजें तुम्हें डालूंगा, मी करेल, मैं करूंगा, देव म्हणतो मी करेन, परमेश्वर कहते हैं मैं करूंगा, यासाठी आम्हाला देवाकडे गेलं पाहिजे, इसलिए हमें परमेश्वर के पास जाने की जरूरत आहे, कारण पापाचे परिणाम भोगतो, हम पाप के परिणाम भोगते, यातून आमची सुटका होऊ शकत नाही, उसमें से हम नहीं बाहर निकल पाएंगे, मागच्या आठवड्यात मी पाहिलं, पिछले सप्ताह हमने देखा पापाचे परिणाम आम्ही भोगतो, पापों के परिणाम हम भोगते हैं, दोन परिणाम हमने देखे, पहला परिणाम हमने देखा पापामुळे आमच्या जीवनात अशांती असते, पाप के कारण हमारे जीवन में अशांति है, आम्ही अस्वस्थ असतो, हम बेचैन होते हैं, बेचैन असतो, हम बेचैन रहते हैं, भयभीत असतो, हम डर में जीते हैं, चिंतेमध्ये असतो, हम चिंता में काय करावं समजत नाही, क्या करे समझ नहीं आता, कसं करावं समजत नाही, कैसे किया जाए समझ नहीं आता, कोणत्या गोष्टीचा उलगडा होत नाही, किसी भी बात का खुलासा नहीं हो पाता, योग्य निर्णय घेता येत नाही, सही निर्णय नहीं ले पाते, सर्व फेल होतं, सब असफल होता, पाप सर्व आम्हाला फेल करून टाकतो, पाप हमें फेल करता है, घराघरात अशांती, घर घर में अशांति है, घर घरत लोग अस्वस्थ है, घर घर में लोग बेचैन है, अनेकांचे स्वप्न भंग झालेले, अनेक लोगों के ख्वाब बिखर गए, अनेक जन भुकीले तानेले, अनेक लोग भूख से प्यास से व्याकुल है, अनेक जन शांति से शोध करत आहे, अनेक लोग शांति को ढूंढ रहे हैं, पर शांति देवाकडे आहे, लेकिन शांति तो परमेश्वर के पास, पापामुळे आमच्या जीवनात अशांति येते, पाप के कारण हमारे जीवन में अशांति, यशया 57:21 जो पाप करतो, जो पाप करता त्याच्या जीवनात कधी शांति नसते, उसके जीवन में कभी शांति नहीं होती, असं आमचा देव बोलतो, ऐसे परमेश्वर कहते हैं, ऐसे येशया कहते हैं। दूसरी गोष्ट आम्ही पाहिली, दूसरी बात हम देखते, पापाचे परिणाम आम्ही आजारामध्ये असतो, पापों के कारण हम बीमारी में जीते हैं, अनेक जन आजारी असतात, अनेक लोग बीमार रहते, अनेक लोग दुर्बल है, अनेक लोग दुर्बल है, अनेक जन अशक्त है, अनेक लोग
वीक है, अनेक जन व्याधि ने जकड़ लेला है, वो तकलीफ में जकड़े, अनेक जन त्या दुखात आहे, अनेक लोग दुख में है, त्रासात आहे, तकलीफ में है, त्यातून बाहेर येत नाही, वो उसमें से बाहर नहीं आ पाते, उपचार करतात, बरस काही करतात, वो उपचार करते हैं, कई सारे कोशिश ही करते हैं, तरी पण ते बरे होत नाही, फिर भी उन्हें चंगाई नहीं, त्यांना आराम भेटत नाही, उन्हें आराम नहीं मिलता, ते विसावाचा शोध करतात, वो विश्रांति के लिए जगह ढूंढते हैं, पण विसावा भेटत नाही, लेकिन उन्हें विश्रांति नहीं मिलती, विसाव तो देवाकडे आहे, विश्रांति तो परमेश्वर के पास, विसावाचं ठिकाण वधस्तंभ आहे, विश्रांति का स्थान तो परमेश्वर का क्रूस है, मत्ती 11:28 मध्ये, मत्ती 18:28 में, 11:28 मध्ये, 11:28 में देवा मला तिथं बोलवत आहे, परमेश्वर हमें बुला रहे हैं, विसावाचं केंद्र वधस्तंभ आहे, विश्रांति का स्थान तो परमेश्वर का क्रूस है, हमें तिथे गेलं पाहिजे, हमें उस पर जाना है, मागच्यास मी दाखवलं तुम्हाला, पिछले बार हम मैंने आपको दिखाया था, पक्षघाती मनुष्याला येशू किस म्हणाला, जो पैरालिसिस का जो व्यक्ति था उसके बारे में परमेश्वर ने कहा, मत्ती 9 में उठ, उठो, चालू लाग, और चलते बनो, मी तुझ्या पापांची क्षमा केली आहे, मैंने तुम्हारे पापों की क्षमा की है, देवाने त्याच्या पापांची क्षमा केली, परमेश्वर ने उसके पापों की क्षमा की, पाप निघून गेलं, पाप निकल गया, आजार भी निघून गेला, उसकी बीमारी भी निकल गई, आम्ही योहान 5:14 मध्ये पाहिलं, हम योहान 5:14 में देखा, 38 वर्ष दुखने करणाऱ्या येशूने उठवलं, 38 साल तक जो पीड़ित था उसको परमेश्वर ने उठाया, उठ चालू लाग, उठो और चलते बनो, तो चालू लागला, वो चलने लगा, यीशु ख्रिस्त ने त्याला शिक्षण दिलं, प्रभु यीशु ने उसे ज्ञान दिया, योहान 5:14 में परत पाप करल तर, अगर तुम दोबारा पाप करोगे, यापेक्षा तुझी परिस्थिती वाईट होईल, तो तुम्हारी परिस्थिति इससे भी बिकट होगी, यीशु ख्रिस्त ने शिक्षण दिलं, ये प्रभु यीशु ने ज्ञान दिया, याच्यापेक्षा तुझी वाईट परिस्थिती होईल, इससे भी तुम्हारी परिस्थिती बिकट होगी, पापामुळे तुझी परिस्थिती अशी आली, पाप के कारण तुम्हारी परिस्थिति ऐसी, सर्व आजाराचं कारण पाप आहे, सभी बीमारियों का कारण पाप है, पण देवाची कृपा आम्हाला बरे करते, लेकिन परमेश्वर की कृपा हमें चंगाई देती है, डॉक्टर उपचार करते, काळजी घेतो, वो देखभाल करते हैं, दिवसभर करतो, लेकिन केवल परमेश्वर ही चंगाई देते हैं, हे दोन परिणाम आहे पाहिले, ये दो परिणाम हमने देखे थे, हे दोन उदाहरण मी तुम्हाला दाखवले, मैंने आपको दो उदाहरण भी दिए थे, तीसरा परिणाम आम्ही पाहतो, आज हम तीसरा परिणाम देखेंगे, पुष्कळ से लोग, कई सारे लोग शैतानी बंधनात आए, शैतान के बंधन में है, शैतानाच्या बंधनात अडकलेले आहे, शैतान के बंधन में उलझे हुए हैं, शैतान ने वेगवेगळ्या प्रकारे लोकांना बांधून टाकलेले आहे, शैतान ने अलग अलग प्रकार से लोगों को बांधा हुआ है, जहां अंधकार है वहां पाप है, जहां अंधकार शक्ति वहां अंधम अंधकार में जीने वाली शक्ति है, प्रकाश है, जहां प्रकाश है देवी, वहां परमेश्वर है देवी, जहाँ परमेश्वर है प्रकाश है वहाँ प्रकाश है, प्रकाशित हो, जहाँ प्रकाश आता है अंधकार नष्ट हो, तो अंधकार निकल जाता है, जितना अंधकार है जहाँ अंधकार है तो शैतान से साम्राज्य है, वहाँ शैतान का साम्राज्य है, तो पाप है जहाँ पाप है तो शैतान काम करतो, वहाँ पर वहाँ शैतान कार्य करता है, लोकांमध्ये तो काम करतो, उन लोगों में वो कार्य करता है, कुटुंबात तो काम करतो, उन उसके परिवार में वो कार्य करता है, कुटुंबाची तो दानादान करतो, वो परिवार को बिखर देता है, कुटुंबात तो त्रस्त करतो, वो परिवार को पूरी तकलीफ में जकड़ देता है, पहले पत्रस 5:5 में हम देखते हैं कि शैतान गरजणाऱ्या सिंहासारखा फिरत आहे, शैतान एक गूंजने वाले शेर की तरह घूमता है, कोणास खावे कोणास फाड़ावे त्याची इच्छा आहे, किसे खाए किसे फाड़ा जाए वो उसकी इच्छा है, तो फिरत आहे, वो घूम रहा है, तो शोधत आहे, वो ढूंढ रहा है कि कोणास फाड़ाव किसे फाड़ दिया जाए, कोणास गिळावे किसे निकला जाए, सर्व शैतान सर्व पृथ्वीवर फिरत आहे, इसलिए वो शैतान पूरे संसार में घूम रहा है, त्याचा अन्न आहे उसका खाना है, मनुष्याला त्रास देणे, मनुष्य को तकलीफ देना, मनुष्याचा नाश करणे, मनुष्य का नाश करना, मनुष्याला देवापासून लांब ठेवणे, मनुष्य को परमेश्वर से दूर रखना, 2 कुरिन्थी 4:4 मध्ये, दुसरे करिंथियों 4:4 में, या युगाचा दैवत, इस युग के दैवतों ने शैतान शैतान लोकांची मन त्याने आंधळी केलेली आहे, लोगों के मनों को उन्होंने अंधा कर दिया है, तो देवाची प्रतिमा ख्रिस्त की परमेश्वर की प्रतिमा प्रभु येशू याची स्वार्थ इनका सुसमाचार याची साक्ष इनकी गवाही तो लोकांना कळू देत नाही, वो लोगों को समझने नहीं देता, लोकांना समजू देत नाही, वो लोगों को समझने नहीं देता, लोकांना त्यापासून लांब ठेवतो, वो लोगों को उसे दूर रखता है, येशू किस का आलेला आहे, प्रभु येशू क्यों आए हैं, येशू ने वधस्तंभ का उचललेला आहे, प्रभु येशू ने क्रूस क्यों उठाया, मरणातून तू का उठलेला आहे, वो मौत से वापस जीवित क्यों हुए, तो तुम्हाला का बोलवत आहे, वो हमें क्यों बुला रहे हैं, कारण काय आहे, इसका कारण क्या है, कारण काय आहे, उद्धार क्या है,
जीवन का है, जीवन क्या है, पवित्र आत्मा का है, पवित्र आत्मा क्या है, ये लोकांना तो समजू देत नाही, ये लोगों को वो समझने नहीं देता, त्यामुळे लोग बरे होत नाही, जिस वजह से लोगों को चंगाई नहीं मिलती, लोकांची मन त्यांनी आंधळी केलेली आहे, लोगों की मनों को उन्होंने अंधा कर दिया है। आम्ही घरोघरी जाऊन, हमने घर घर जाकर, गावागाव जाऊन, गाव गाव में जाकर देवाचं वचन आम्ही सुनतो, परमेश्वर का वचन हमने सिखाया, देवाचं वचनाने डोळे उघडले जातात, परमेश्वर के वचनों के द्वारा आंखें खुल जाती है। सोशल मीडिया पर आलो, हम सोशल मीडिया पर, देवाने सांगितलं, परमेश्वर ने बताया, सोशल मीडिया पर जा आता तू, अब तुम सोशल मीडिया पर जाओ, वेळ आली, समय आलेला आहे, अब ये वक्त आ गया, समय आ गया, लोग भयभीत आहे, लोग डरे हुए, लोग कंपित आहे, लोग डर रहे हैं, कोरोना व्याधी में लोग घाबरून गेलेले आहे, कोरोना बीमारी के कारण लोग डरे हुए, अनेक समस्या प्रश्न में लोग अडकलेले आहे, अनेक समस्या में लोग उलझे हुए, काय करावं समजत नाही, क्या किया जाए उन्हें समझ नहीं आ रहा, लोग भयभीत आहे, लोग डरे हुए, देवाने आम्हाला सोशल मीडियावर पाठवलं, परमेश्वर ने हमें सोशल मीडिया पर भेजा, तो मला जाऊन संदेश दे, उन्हें कहा कि जाकर सुसमाचार सुनाओ, मी आहे, मैं हूँ, मी आहे, मैं हूँ, मी असणार, मैं रहूंगा, जाऊन लोकांना संदेश दे, ये लोगों को संदेश दो, माझी स्वार्थ सांग, मेरा सुसमाचार सुनाओ, माझे शिक्षण दे, मेरा ज्ञान दो, त्यासाठी प्रार्थना कर, उनके लिए प्रार्थना करो, लोग वाचतील, लोग बचेंगे, लोकांचे डोळे उघड, लोगों की आंखें खोलो, देवाचं वचन शिक्षण दे, परमेश्वर की वचनों का ज्ञान दो, लोकांचे देव डोळे उघडेल, परमेश्वर उनकी आंखें खोल देगी, शैतान निघून जाईल, शैतान निकल जाएगा, शैतान के बंधन तुटतील, शैतान के बंधन टूट जाएंगे, लोकांना समजेल, लोगों को समझ आएगा, 7 महीने आम्हाला यश देवाने दिलं, 7 महीनों में परमेश्वर ने ये सफलता हमें दी, 7 महीने मुश्किल से स्वार्थ झाली, पूरी तरह से परमेश्वर का सुसमाचार 7 महीनों में हुआ, गावातून शहरातून राज्यातून भारत देशात सर्व स्वार्थ झाली, गाव में से शहर में से राज्य में देश में परमेश्वर की सुसमाचार हमने फैलाया, परदेशापर्यंत गेलं, वो विदेश में भी जाकर पहुंची, देवाच्या वचनाने डोळे उघडले जातात, परमेश्वर के वचनों द्वारा आंखें खुल जाती है, शैतान आमचे डोळे बंद करतो, शैतान हमारी आंखें बंद करता है, हमें समझू देत नाही, हमें समझने नहीं देता, हमें काय करा कळू देत नाही, हमें क्या करना चाहिए, हमें बाइबल वाचतो, प्रार्थना करतो, हम बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, देव आम्हाला काय सांगतो, लेकिन परमेश्वर हमें क्या कहते हैं, देवाच वचन आम्हाला काय सांगतो, परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है, देवाच्याकडे जाण्याची पहिली पायरी काय आहे, परमेश्वर के पास जाने का पहला मार्ग कौन सा है, सुरुवात कुठून करायची, सुरुवात कहां से करें, शाळेची सुरुवात कुठून होते, पाठशाला की शुरुआत कहाँ से होती है, एबीसीडी नहीं होते, वो एबीसीडी से होती है, तो हमारा समझू देता है, वो हमें समझने नहीं देता, तो कड़ू देता है, वो हमें समझने नहीं देता, तो मन तो बाइबल वाच, वो कहता है बाइबल पढ़ो, प्रार्थना कर, प्रार्थना करो, उपवास धर, उपवास करो, दान धर्म धर, दान धर्म करो, चर्च ला जा, चर्च जाओ, सर्व करू देतो, सब कुछ करने देता, देव समझू देते हैं हमारा, लेकिन परमेश्वर को समझने नहीं देता, देवाची ओळख होऊ देत नाही हमारा, परमेश्वर से हमारी पहचान होने देता, हमारे डोळे बंद करतो, वो हमारी आंखें बंद कर देता, देव हमारे डोळे उघडतो, परमेश्वर हमारी आंखें खोलते हैं, सैतानाचं साम्राज्य, शैतानचं साम्राज्य आहे, ये शैतान का साम्राज्य है, अनेक घर घरात तो काम करतो, वो घर घर में कार्य कर रहा है, कारण काय आहे, इसका कारण क्या है, आमच्या पापामुळे तो आमच्या सत्ता करतो, हमारे पापों के कारण वो हम पे सत्ता करता है, आमच्या अधिकार चालवतो, वो हम पे अधिकार करता है, आमच्या हुकुम करतो, वो हम पे हुकुम करता है, आमच्या आम्हाला बंधनात ठेवतो, वो हमें बंधनों में रखता है, बाइबल मध्ये पाहतो आम्ही, बाइबल में हम देखते हैं, लूक सुवर्तमान 13:16 मध्ये, लूक 13:16 में हम देखते हैं, एक स्त्री है, एक स्त्री है, 18 वर्ष शैतान तिला बांधून ठेवलं होतं, 18 सालों तक शैतान ने उसे बांधा हुआ था, तिच्यामध्ये विकाराचा आत्मा होता, उसमें एक बीमारी का आत्मा था, तिच्या शरीरामध्ये एक व्यंग होतं, उसके शरीर में एक तकलीफ थी, ती एक कुबडी होती, वो पूरी तरह से झुकी हुई थी, ती कुबड असल्यामुळे तिने 18 वर्ष ती व्याधी सहन केली, वो उसके अंदर जो तकलीफ थी इसके वजह से उसमें 18 साल तक वो तकलीफ उसको झेला, अनेक डॉक्टरचं निदान असेल, ये डॉक्टर का निदान था, अनेक डॉक्टरचं निदान असेल की मनक्यात फॉल्ट आहे, अनेक डॉक्टरों ने अपना निवारण लगाया कि उसके जो स्पाइन है स्पाइनल कॉर्ड में उसकी तकलीफ होगी, त्यामुळे तुझे विकार आहे, जिस वजह से उसमें विकार हो, हाँ कुबड़पना है, ये जो पीठ में उसकी तकलीफ है, ज्यावेळेस येशू ख्रिस्तीला भेटला, जिस दिन प्रभु येशू से मिले, येशूने त्या विकाराला पाहिलं, प्रभु येशू ने उस तकलीफ को देखा, त्या विकाराच्या आत्म्याला त्याने धमकावलं, उस तकलीफ देने वाले आत्मा को प्रभु येशू ने धमकाया, विकाराच्या आत्म्याने तिचं शरीर सोडलं, उस तकलीफ देने वाले आत्मा ने वो शरीर को छोड़ दिया, तीसरी सरळ झाली, वो स्त्री पूरी तरह सीधी खड़ी हो गई, 18 वर्षानंतर ती सरळ झाली, 18 सालों बाद वो सीधी खड़ी हुई, येशू किस काय म्हणाला, प्रभु येशू ने क्या कहा, ही तर अब्राहमची कन्या है, ये तो इब्राहिम की कन्या है, 18 वर्ष सैतानीला बांधून ठेवलं, 18 सालों तक शैतान ने उसे बांधा हुआ था, येशु ख्रिस्ताने तिला मुक्त केलं, प्रभु येशु ने उसे चंगाई दी, वाह देखिए असे पुष्कळसे लोक वेगवेगळ्या आजारात बंदिले, ऐसे कई सारे लोग बीमारी में जकड़े हुए, शारीरिक आजार है, कईयों के शरीर में मानसिक आजार है,
मानसिक तकलीफ है, वेगवेगळ्या प्रकारचे समस्या बनत लोकांना अडकून ठेवले शैतानने, अलग अलग प्रकार के तकलीफों में शैतान ने बांधा हुआ है, खैस करू देत नाही, कुछ करने नहीं देता। एका घरात मी गेलो, एक घर में मैं एक बार गया, त्या घरात जाऊन प्रार्थना केली, उस घर में मैंने प्रार्थना की, त्या घरात शैतान साम्राज्य होतो, उस घर में शैतान का साम्राज्य था। मी शैतानला धमकावलो, मैंने शैतान को धमकाया, इथं बसून काय करतो तुम, यहां बैठकर क्या कर रहे हो, तो म्हणतो हे घर माझं आहे। शैतान ने कहा कि ये घर मेरा है, ये घरातील लोक माझे आहे, इस घर के लोग मेरे हैं, ये घरात मी पैशाला पैसा बांधून टाकलेला आहे, इस घर के पैसों को मैंने बांधा हुआ है, ये सर्व गोष्टी मी या घरातली बांधून ठेवलेले आहे, इस घर की सभी चीजों को मैंने रोका हुआ है, ये सर्व काय करतात, ये सब कुछ करते हैं, फेल गेलेले लोक आहे, ये असफल हुए लोग, या घरात दारिद्र्य आहे, इस घर में दरिद्रता है, या घरात भांडणे आहे, इस घर में झगड़ा है, या घरात व्यसन आहे, इस घर में नशा है, या घरात आजार आहे, इस घर में बीमारी है, या घरात मुलांचं शिक्षण मी बंद केलेलं आहे, घर के बच्चों की शिक्षा मैंने बंद कर, या घराची उन्नती मी बंद करून टाकलेली आहे, घर की बढ़ोतरी मैंने बंद कर दी है। बघा, देखिए, शैतानचं साम्राज्य काय, शैतान का साम्राज्य क्या है, कारण त्या घरातील लोकांना देवाची ओळख नव्हती, उस घर के लोगों को परमेश्वर की पहचान नहीं थी, ते आपल्या पद्धतीने जीवन जगत होते, वो अपने खुद के अनुसार अपना जीवन जी रहे थे, त्यामुळे शैतानने त्या घरात वस्ती केली होती, जिस वजह से शैतान ने उस घर में अपनी मौजूदगी की थी, सर्व घर दरिद्र आणून टाकलं होतं त्यांनी, सभी चीजों में दरिद्रता लाई, सर्व गोष्टी त्यांनी बांधून टाकलं होतं, सभी चीजें उसने बांध दी थी। आज तीच समस्या आहे, आज वही समस्या, पापामुळे तो आमच्यावर साम्राज्य करतो, पाप के कारण वो हम पे अधिकार करता है, आमची उन्नती होऊ देत नाही, हमें हमारी बढ़ोतरी होने नहीं देता, कुटुंबात व्यवस्था होऊ देत नाही, परिवार में व्यवस्था नहीं लाता, पति पत्नी से प्रेम इसकावून घेतो तो, पति पत्नी का प्रेम छीन लेता है, मुलांना तो बिघडून टाकतो, बच्चों को बिघाड़ देता है, शिक्षण तो करू देत नाही, उनको शिक्षा लेने नहीं देता, उद्योग धंद्यात तो समृद्धि होऊ देत नाही, उद्योग में वो समृद्धि नहीं होने देता, घरामध्ये व्याप करून टाकतो, वो घर पूरा तरह से बिखर देता है। शैतानचं साम्राज्य आहे, शैतान का साम्राज्य, शैतान से काम है त्रास देने, शैतान का काम है तकलीफ देना, तो आमची उन्नति हो देत नाही, वो हमारी बढ़ोतरी होने नहीं देता, ये शैतान का साम्राज्य है, ये शैतान का साम्राज्य है, अनेक लोग ते बंधनात आहे, इसलिए अनेक लोग इस बंधन में है, अनेक लोग गोंधळात आहे, अनेक लोग तकलीफ में है, उन्नति हो देत नाही, तो विकास हो देत नाही, तो उनका वो विकास होने नहीं देता, तो सर्व नष्ट करायला बघतो, वो सब नष्ट करने को दिखता है, त्यांनी माझं कुटुंब नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला, उसने मेरा परिवार को भी नष्ट करने को, पण देवाचं प्रेम म्हणून आम्ही नष्ट झालो नाही, लेकिन परमेश्वर के प्रेम के कारण हमारा नाश नहीं हुआ, आज देव तुमच्यावर प्रेम करतो, आज परमेश्वर आप पर प्रेम करते हैं, प्रत्येक व्यक्तीवर प्रेम करतो, हर एक व्यक्ति पर प्रेम करते हैं, माझून आम्ही नष्ट झालो नाही, हम नष्ट नहीं हुए, आम्ही पाप करतो, हम पाप करते, मी अपराध करतो, अपराध करते, आम्ही भांडण करतो, हम झगडा करतो, आम्ही कलह करतो, हम द्वेष करते, चोरी करतो, हम चोरी करतो, दारू पितो, शराब पितो, जुगार खेळतो, हम जुआ खेळतो, रंगीलपणा करतो, हम गलत चीजें करतो, सर्व पाप करतो, सभी पाप करतो, तरी आम्ही व्यवस्थित आहे, फिर भी हम ठीक है, आम्ही अजून नष्ट झालो नाही, अभी तक हमारा नाश हुआ नहीं, आम्ही व्यवस्थित आहो, हम ठीक है, आम्ही निरोगी आहो, हमें चंगाई है, शैतान तुमची फसवणूक करता है, शैतान तुम्हें फसा रहा है, यामध्ये येशू किस उभा आहे, इसमें प्रभु येशू खड़े हैं, येशू की देवाला प्रार्थना करतोय, प्रभु येशू परमेश्वर को प्रार्थना करते, हे बापा, हे परमेश्वर, हे बापा यांना क्षमा कर, हे परमेश्वर आप इन्हें क्षमा कर, हे काय करते यांना समजत नाही, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं इन्हें समझ नहीं आ रहा, यांना संधी दे, इन्हें आप एक अवसर दे, यांना वेळ दे, इन्हें समय दे, यांना पश्चाताप बुद्धि दे, इन्हें पश्चाताप करने की बुद्धि दे, यांचा नाश करू नको, इनका नाश ना हो, यांचा उद्धार कर, इनका उद्धार करो, अजून वेळ दे यांना, और इन्हें समय दो, वेळ समय आम्हाला देवामुळे प्राप्त होती, ये वक्त ये समय हमें परमेश्वर के कारण प्राप्त होता है, सावधान रहा तुम्ही, आप सावधान होइए, शैतान आमची फसवणूक करतो, शैतान हमें फसा रहा है, आम्ही सर्व पाप करतो, हम सब पाप करते हैं, तरी आम्ही व्यवस्थित चुकीचं भ्रम आहे, हम ये हमारी गलत फहमी है, शैतान आमची दिशाभूल करतो, शैतान हमें अलग मार्ग पे ले जाता है, अचानक आमचा नाश होऊ शकतो, अचानक हमारा नाश हो सकता है, सर्व नष्ट होऊ शकतो, सब कुछ नष्ट हो सकता है, शैतान कधीच माणसावर प्रेम करत नाही, शैतान कभी मनुष्य पर प्रेम नहीं करता, तो शेवट पर नाश करतो, वो अंत तक केवल नाश ही करता है। माझ्या जीवनात कार्य करता मी पाहिलं, मेरे जीवन में कार्य करते हुए मैंने देखा, एक स्त्री होती, एक स्त्री थी, ती आजाराने जखडलेली होती, वो बीमारी से जखडी हुई थी, 20 वर्ष ती आजारी होती, 20 साल तक वो बीमार, ती म्हणे ब्रदर मी 20 वर्षाले आजारी आहे, उसने मुझसे कहा कि ब्रदर 20 सालों से मैं बीमार हूँ, 20 वर्ष उपचार करते, मैं पिछले 20 सालों से उपचार ले रही, बरे होते परत आजारी पडते, मैं ठीक होती हूँ वापस मैं बीमार होती हूँ, 20 वर्ष मला आराम नाही ब्रदर, 20 सालों से मुझे कोई तकलीफ, मुझे कोई आराम नहीं, मैं पुष्कळ सारी गोष्टी करते, मैं कई सारी चीजें करती हूँ, वैद्य के लिए औषध के लिए, मैंने डॉक्टर किए
दवाई ली, सर्व केलं, सब कुछ किया, मैं प्रार्थना भी करते, मैं प्रार्थना भी करते, उपवास भी करते, मैं उपवास भी करते, मैं भरे का होत नाही, फिर भी मुझे चंगाई क्यों नहीं? हमने त्यासाठी प्रार्थना केली, हमने उनके लिए प्रार्थना की, देवाला विनंती केली, परमेश्वर को विनंती की, प्रभु 20 वर्ष आधारी आहे, प्रभु येशू ये 20 सालों से बीमार है, या स्त्रीवर दया कर, इन पर आप दया करें, इधर कृपा कर, इन पर कृपा करें, ये फार दुखी कष्टी है, ये तकलीफ में है, यातून बाहर काढ, इसमें से इन्हें बाहर निकाल, काय ची परिस्थिति अशी आहे, क्यों इनकी परिस्थिति ऐसी है? त्यावेळी देवाने दाखवलं, उस वक्त प्रभु येशू ने दिखाया कि ये बंधनात है, कि ये स्त्री बंधन में है, शैतानीला बांधून ठेवलेलं आहे, शैताने इसे बांधा हुआ है, 20 वर्ष शैतानीच्या मध्ये काम करते है, 20 सालों से शैतान इसमें कार्य कर रहा है, 20 वर्षाच्या घरात तो राहता है, पिछले 20 सालों से शैतान इसके घर में रहता है, 20 वर्ष इन्हें पैसा खाला है, 20 सालों तक शैतान ने इसका पैसा खाया है, शांति खाली है, इनकी शांति खाली है, सर घर से सुख चैन तेने खाउन टाकलेला है, घर का पूरा सुख चैन उसने बर्बाद कर दिया है, 20 वर्ष, 20 साल बघा, देखिए 20 वर्ष ती आजारी होती, 20 सालों से वो बीमार थी, देवाकडे आल्यामुळे तिला समजलं, परमेश्वर के पास आने के कारण उसे समझ आया, आम्ही देवाकडे येतो, हम परमेश्वर के पास आते, देव आम्हाला दाखवतो, परमेश्वर हमें दिखाते हैं, देव आम्हाला दाखवतो, परमेश्वर हमें दिखाते हैं, काम की परिस्थिति अशी, क्यों हमारी परिस्थिति ऐसी, कशामुळे आम्ही इथे सापडलेलो, किस कारण हम इस उलझन में हैं, काम यातून बाहेर येत नाही, क्यों उसमें से हम बाहर नहीं आ पाते, देव आम्हाला दाखवतो, वो हमें दिखाते हैं, तो शिकवतो, वो हमें सिखाते हैं, आम्ही स्वीकारतो, उसका स्वीकार हम करते हैं, आम्ही त्यातून बाहेर येतो, तब हम उसमें से बाहर आते हैं, त्याला शिक्षण दिलं, वो स्त्री को हमने ज्ञान दिया, तिला देवाचा मार्ग दाखवला, उसे परमेश्वर का मार्ग दिखाया, तिने पश्चाताप केला, देवाची क्षमा मागितली, उसने पश्चाताप किया, परमेश्वर की क्षमा मांगी, देवाने 20 वर्षातून तिला बाहेर काढलं, परमेश्वर ने 20 साल बाद उसे 20 वर्ष ती बरी झाली, 20 सालों बाद उसे चंगाई प्राप्त हुई, शैतान सोडत नाही, शैतान छोड़ता नहीं, देवाने तिच्या पापाची क्षमा केली, परमेश्वर ने उसके पापों की क्षमा की, पाप निघून गेलं, पाप निकल गया, पापामुळे सत्ता गाजून शैतान भी निघून गेला, पाप निकल जाने के कारण उसमें से शैतान भी निकल गया, पापों में आजार भी गया, पाप के कारण उसकी बीमारी चली गई, अशांति भी गई, अशांति चली गई, पापों में कितनी परिणाम भुगतो हम बगा, पाप के कारण हम कितने चीजें भुगते हैं बगा, लक्ष्य ठेवा, देखिए पुष्कळ से उदाहरण है माझे कडे, मेरे पास कई सारे उदाहरण है, पण वेळोवेळी तसं मी सांगत जाईन, मैं समय समय पे आपको बताता रहूंगा कि बंधन कितनी महाग पड़तात, बंधन कितने महंगे पड़ते हैं, यासाठी आम्हाला देवाकडे आलं पाहिजे, इसलिए हमें परमेश्वर के पास आना जरूरी है, देव आम्हाला शिकवतो दाखवतो, परमेश्वर हमें दिखाते हैं कि तो आमच्यावर प्रेम करतो, वो हम पर प्रेम करते हैं, त्यातून तो आम्हाला बाहेर काढतो, उसमें से हमें बाहर निकालते हैं, तीसरा परिणाम पाहिला, तीसरा परिणाम हमने देखा, पापामुळे लोक बंधनात आहे, पाप के कारण लोग बंधनों में है, घर घर शैतानी बंधन है, घर घर में शैतान के बंधन है, घर घर शैतान से वर्चस्व है, घर घर में शैतान का अधिकार चल रहा है, वो घर घर की तो उन्नति हो देता है, वो घर घर की उन्नति नहीं होने देता, तो बांधन टकते लोग, वो बांध देता है, जब देव तो जब परमेश्वर आते हैं तब उसको मुक्तता देती है, तब मुक्ति मिलती है, अजून काही चुका होता था आमच्याकडून, हमसे और भी अपराध होते हैं, अनुवाद 18:9 मध्ये पाहतो, अनुवाद 18:9 में हम देखते हैं, पुष्कळ से लोग, कई सारे लोग, आमची सुधारणा हवी, खुद खुद उनकी सुधारणा हो, आमच्या कुटुंबाची सुधारणा हवी, उनके परिवार की सुधारणा हो, आमच्या घरात शांती हवी, उनके घर में शांति हो, आमचं सर्व व्यवस्थित व्हावा, उनका सब कुछ ठीक हो, अशा लोकांची ते मदत घेतात, वो ऐसे लोगों की मदद लेते हैं, अशा लोकांकडे जातात, ऐसे लोगों के पास जाते हैं, अशा लोकांकडे पैसे खर्च करतात, ऐसे लोगों के पास वो पैसे खर्च करते हैं, अशा लोकांचा सल्ला घेतात, ऐसे लोगों का वो उनसे बात करते हैं, अशा लोकांचं मार्गदर्शन घेतात, ऐसे लोगों का मार्गदर्शन लेते हैं, अशा लोकांकडून साधन सामग्री घेतात, ऐसे लोगों से वो बातचीत करते हैं, साधन सामग्री देतात त्यांना, उनको आदर सन्मान सामग्री देते हैं, पुष्कळ से लोग, कई सारे लोग अशा लोकांचं सहाय घेतात, ऐसे लोगों की सहायता लेते हैं, कि जो शैतानी बंधनात असतात, जो शैतान के बंधन में रहते हैं, शैतान की सहायता ने काम करतात, जो शैतान की मदद से कार्य करते हैं, व्यवसाय म्हणून काम करतात, वो बिजनेस के तौर पर काम करते हैं, लोकांची दिशाभूल करतात, वो लोगों को अलग राह पे ले जाते हैं, लोकांचा टाइम पास करतात, जिसपे लोगों का टाइम पास होता है, आम्ही अशा लोकांकडे जातो, ऐसे लोगों के पास हम जाते हैं, पैसा खर्च करतो, हम पैसे खर्चते हैं, पण काय होत नाही, लेकिन कुछ नहीं हो पाता, आम्ही अशा वेळेस, हम ऐसे समय, आम्ही स्वतःला बांधून अजून बांधून घेतो, हम खुद को और बंधनों में जकड़ते हैं, अजून आमच्याकडून पाप होतो, हमसे और पाप होता है, अनुवाद 18:9 नौ, तुम्ही घरात वाचा, आप घर में इसे पढ़े, पुष्कळ से लोग अशा लोकांचं सहाय्य करतात, घेतात, कई सारे लोग ऐसे लोगों की मदद लेते हैं, अजून ते नाशच जातात, और वो नाश में जाते हैं, माझ्याकडे उदाहरण आहे,
मेरे पास उदाहरण है। एक स्त्री होती, एक स्त्री थी, तिला पुष्कर सा त्रास झाला, उसे बहुत तकलीफ हो रही, पुष्कर सा त्रास ती गेली, वो बहुत तकलीफ में थी, तिचं सर्व कामकाज बंद झालं, उसका काम धंदा सब बंद हो गया, ती रस्त्याने आरडाओरड करत चालायची, वो रस्ते में चिल्ला पुकार करते चलती थी, ती धावपळ करायची, वो यहां वहां भागती थी, पळत राहायची, वो भागती फिरती थी, कुटुंबाला तिने बेचैन करून टाकलं होतं, उसके परिवार को उसने बेचैन कर रखा, तीन महीने आले ती तशीच राहायची, वो तीन महीने तो वैसे ही रहती थी, कुटुंब परेशान होतं, उसका परिवार परेशान होता, अशा स्त्रीला देवाच्याकडे घेऊन आले, ऐसे स्त्री को परमेश्वर के पास लाए, अशा स्त्री सुद्धा आम्ही प्रार्थना केली, ऐसे स्त्री के लिए हमने परमेश्वर को प्रार्थना की, वेळोवेळी प्रार्थना केली, समय समय पर प्रार्थना की, वेळोवेळी प्रार्थना करण्यानंतर हमने प्रार्थना करने के बाद त्यानंतर देवाने काही गोष्टी दाखवल्या, उसके बाद परमेश्वर ने कुछ चीजें हमें दिखाई, त्यावेळेस आमचे डोळे उघडले, उस वक्त हमारी आंखें खुल गई, हमें त्यांचे डोळे उघडले, हमने उनकी आंखें खोली, हमें ज्यामध्ये सैतानी कार्य होतं, वो शैतान का जो कार्य था, हमें म्हणले तू इथं का आला, उस शैतान को हमने पूछा कि तुम यहाँ पर क्यों आए, त्यांनी काय उत्तर दिलं, उसने हमें क्या जवाब दिया, मी नाही आलो, मैं नहीं आया, यांनी मला घेऊन आले, ये मुझे लेकर आए, मी नाही आलो, मैं नहीं आया, यांनी मला घेऊन बोलवलं, ये मुझे लेकर आए हैं, इन्होंने मुझे बुलाया, मी घरात राहतो, इसलिए मैं इनके घर में रहता हूं, कसं बोलवलं, कैसे बुलाया, आम्ही अशा लोकांचं सहाय्य घेतो, हम ऐसे लोगों की मदद लेते हैं, अशा लोकांची मदत घेतो, ऐसे लोगों की मदत लेते हैं, अशा लोकांकडे पैसा खर्च करतो, ऐसे लोगों के पास पैसे खर्चते हैं, जे स्वतः शैतानी बंधनात असतात, जो खुद शैतान के बंधनों में रहते हैं, जे शैतानच्या सहाय्याने मार्गदर्शन करतात, जो शैतान के अनुसार मार्गदर्शन करते हैं, फेल अजून आमच्याकडे नाश होतो, और हमारा नाश होता है, त्या स्त्रीशी आम्ही चर्चा केली, उस स्त्री से हमने बातचीत की, त्यांनी सांगितलं की अशा अशा गोष्टी आम्ही केलेल्या आहे, उन्होंने कहा कि हमने ऐसी ऐसी चीजें की हुई है, त्यावेळेस आम्ही त्यांना शिक्षण दिलं, उस वक्त हमने उनको परमेश्वर का ज्ञान दिया, सर्व गोष्टीचा पश्चाताप करा, इन सब चीजों का तुम पश्चाताप करो, सर्व गोष्टी देवाला क्षमा मागा, इन सब चीजों का परमेश्वर के पास क्षमा मांगो, देव त्यातून तुम्हाला बाहेर काढेल, परमेश्वर इसमें से आपको बाहर निकालेंगे, त्यांनी देवाच्या वचनावर विश्वास ठेवला, उन्होंने परमेश्वर के वचनों पर विश्वास रखा, त्यांनी अनुकरण केलं, उन्होंने उसका अनुकरण किया, देवाने त्यांना त्यातून बाहेर काढलं, परमेश्वर ने उनको बाहर निकाला, मग अशा काही चुकीच्या आम्ही गोष्टी करतो, ऐसे हम गलत चीजें करते हैं, जावं तर देवाकडेच जावं, जाए तो परमेश्वर के पास जाए, देवाला सांगाव, परमेश्वर को बताए, दिवस बाहेर काढतो, परमेश्वर बाहर निकाले, तो आम्ही भटकत राहतो, नहीं तो हम भटकते रहेंगे, म्हणून अनुवाद 18:9 नीट वाचा, इसलिए अनुवाद 18:9 ठीक से पढ़े, अजून एक परिणाम पाहतो, और एक परिणाम हम देखते, पापाचा परिणाम, पाप का परिणाम, शेवटचा परिणाम, ये आखरी परिणाम, मरण, मौत, देव आदमला म्हणाला, परमेश्वर ने आदम से कहा, उत्पत्ती 2:17 ज्या दिवशी झाडाचं फळ खाईल, जिस दिन तुम इस पेड़ का फल खाओगे, तू मरणार, तुम्हारी मौत होगी, निश्चित, ये निश्चित है, आदमाने झाडाचं फळ खाल्लं, आदमने उस पेड़ का फल खाया, काही वर्षानंतर त्यांना मृत्यू आला, कुछ सालों बाद उसे मौत आई, शारीरिक मृत्यू आला, शारीरिक मौत उसे आई, कारण देव बोलला होता की मरणार, कि परमेश्वर ने उसे कहा था कि तुम मरोगे, हे पहिले मरण, ये पहली मौत है, नासपंत चालू आहे, वो आज तक चल रहा है, आदमापासून मरण आलं, आदम से मौत आई, सर्व लोकांनी पाप केलं, सभी लोगों ने पाप किया, सर्व लोक त्याचा परिणाम भोगत आहे, सभी लोग उसके परिणाम भोगत रहे हैं, सर्वांना मृत्यू आलेला आहे, सभी को मौत आई, आज आमच्याकडे मृत्यू आहे, आज हमारे पास मौत है, 60-70 वर्ष 80-90 वर्ष आम्ही मरण पावतो, 60-70 साल बाद 80-90 साल बाद हम तो मौत के बल कभी ना कभी हमारा मृत्यु है, तो कभी ना कभी हमें मौत तो आनी ही है, जो एतो तो जातोस, जो आया है उसे जाना तो है, तो देवाचे वेनुसार जातो, वो परमेश्वर की आज्ञा अनुसार जाता है, पण निश्चित जातो, वो निश्चित जाएगा, अरे देवाने सांगितलं, क्योंकि ये परमेश्वर ने कहा तू मरणार, तुम मरोगे, शारीरिक मृत्यु, शारीरिक मौत, आम्ही दफन करतो, दहन करतो, हम उसे दफन करते हैं, शरीर हे मातीचं आहे, शरीर ये मिट्टी का है, मातीला माती मिळते, मिट्टी ये मिट्टी में जाकर, धूळीला धूळ मिळते, धूल को धूल मिलेगी, राखेला राख होती, राख को राख मिलेगी, मृत्यूमुळे आम्ही आमचं शरीर मातीला मातीला मिळतं, ये मौत के बाद हमारा जो शरीर है मिट्टी में मिल जाएगा, आत्मा निघून जातो, आत्मा निकल जाता है, मरण, मौत, येशू ख्रिस्त काय म्हणाला, प्रभु येशू ने क्या कहा, योहान शुभवृत्तान्त, योहन्ना 11:25 मध्ये, 11:25 में, पुनरुत्थान जीवन मीच आहे, पुनरुत्थान व जीवन मीच आहे, मरण और जीवन मैं ही हूं, जो माझा विश्वास ठेवतो, जो मुझ पर विश्वास रखता है, तो मेला असेल तरी जगेल, वो उसे मौत प्राप्त हुई फिर भी वो जिएगा, और जो जीवनपणी माझा विश्वास ठेवतो, और जो जीवित
समय में मुझ पर विश्वास रखता है तो कभी मरना नहीं, वो कभी नहीं मरेगा। देवस वचन है, ये परमेश्वर का वचन। हाँ, देवत शब्द है, ये परमेश्वर का शब्द है। देवत शब्द पूर्ण कार्य करता, परमेश्वर के परमेश्वर का वचन पूरा कार्य करता। हमें देवत शब्द कीमत करतो, इसलिए हम परमेश्वर के वचन का कीमत करते हैं। तेने सांगितलं, उन परमेश्वर ने कहा तू कभी मरणार नाही, वो कभी नहीं मरेगा। यूहन्ना 5:24 मध्ये तो म्हणतो, यूहन्ना 5:24 में कहा है, जो मुझ पर विश्वास ठेवतो, जो मुझ पर विश्वास, माझ्या वचनावर विश्वास ठेवतो, मेरे वचनों पर विश्वास, तो कभी मरणार नाही, वो कभी नहीं मरेगा। तो मरणातून पार जीवनात जाईल, वो मौत के बल जाकर फिर भी वो जीवन, उसे नया जीवन प्राप्त होगा। सत्यो बोलतो, ऐसे परमेश्वर ने कहा। म्हणजे काय, इसका मतलब क्या है? मृत्यू आम्हाला येणारच, मौत तो हमें आगी, पण बायबल काय सांगतो, लेकिन बाइबल क्या कहती है? येशू किस म्हणाला, प्रभु येशू ने कहा, युगाच्या समाप्ती रूपी तुझ्यावर असेल, इस युग के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मी तुला सोडणार नाही, मैं तुम्हें छोड़ूंगा, मी तुला टाकणार नाही, मैं तुम्हें यूही नहीं छोड़ूंगा, मी शेवटपर्यंत तुझ्यावर असेन, मैं अंत तक तुम्हारे साथ। देवाचं प्रेम कधी अंतर देतच नाही, परमेश्वर का प्रेम कभी अंतर नहीं देता। मृत्यू येतो, मौत आती है, त्या आम्ही एकमेकापासून विभक्त होतो, तब हम एक दूसरे से बिछड़ जाते, आम्ही जगापासून विभक्त होतो, आम्ही संसार से बिछड़ जाते, आम्ही कुटुंबापासून विभक्त होतो, परिवार से बिछड़ जाते हैं, सर्व गोष्टी विभक्त होतो, हम सभी चीजों से बिछड़ जाते हैं। पण देव काय म्हणतो, लेकिन परमेश्वर क्या कहते हैं? मृत्यू आला तरी मी तुला सोडणार नाही, अगर तुम्हें मौत भी आई तो भी मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, शेवटपर्यंत मी तुझ्यावर राहील, मैं अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। मृत्यू तुझ्यामध्ये बिघाड करू शकत नाही, मौत तुम्हें कोई बिघाड नहीं कर सकती, मृत्यू तुला मारू शकत नाही, मौत तुम्हें मार नहीं सकती। हे आम्हाला समजलं पाहिजे, हे हमें समजना जरूरी। बायबल सांगतो, बायबल कहते, रोम 7:23 पापाचं वेतन मरण आहे, पाप का जो वेतन है वो मरण है। देवाचं कृपादान, परमेश्वर की कृपादान, प्रवेश की सामध्ये, प्रभु येशु में सार्वकालिक जीवन है, अनंतकालिक जीवन है। पापाचं वेतन मरण है, लेकिन पाप का वेतन मरण है। जो पाप करण तो मरणच, जो पाप करेगा वो जरूर मरेगा। शारीरिक मृत्यु येणारच, शारीरिक मौत तो उसे आनी ही है, आत्मिक मृत्यु भी होणार, उसकी आत्मिक मौत भी होगी। हे दूसरा मरण, ये दूसरा मरण है। पहला मरण येणार निश्चित, पहली मौत जो है वो तो निश्चित है, दूसरा मरण आम्हाला थांबवता येईल, दूसरी मौत हम रोक सकते हैं। दूसरा मरण म्हणजे नाश है, दूसरी मौत मतलब नाश है। हमसे दूसरा मरण होने, हमारे दूसरी मौत ना हो, उन्हें यीशु की साला है, इसलिए प्रभु यीशु आए हैं। तो मरणातून पार जीवनात आम्हाला घेऊन जातो, वो मौत के बल गए हुए इंसान को नए जीवन देते हैं। आम्ही पाप करत राहो, हम पाप करते रहे, मी देवा विश्वास ठेवणार नाही, हम परमेश्वर विश्वास नहीं रखेंगे, देवाचा मार्ग स्वीकारत नाही, परमेश्वर की मार्ग नहीं स्वीकार, आम्ही इच्छेप्रमाणे चालत राहतो, अपने खुद की इच्छा पर हम चलते रहते, शेवटी आम्हाला मृत्यू येतो, आखिर में हमें मौत आती है, आम्हाला दफन केलं जातं, हमें दफना दिया जाता है। बाइबल काय सांगतो, बाइबल क्या कहते, इब्रानी 9:27 में क्या कहते, एकदा मरणे एक बार मौत के बल जाना, त्यानंतर न्याय ठेवलेला आहे, उसके बाद न्याय का दिन रखा हुआ। परमेश्वर म्हणते एकदा मरण आल्यानंतर, परमेश्वर ने कहा कि अगर तुम्हें मौत आई, त्यानंतर मी त्या लोकांचा न्याय करण, उसके बाद मैं उस लोगों का न्याय करूंगा। शारीरिक मृत्यू आल्यानंतर, शारीरिक मौत आने के बाद, नंतर मी त्यांचा न्याय करेल, उनके बाद मैं उनका न्याय करूंगा। आम्ही आमच्या कर्माने चालतो, हम अपने कर्मों के अनुसार, आम्ही इच्छेने चालतो, अपने खुद की इच्छा अनुसार चलते हैं, आम्ही शेवटी मरण पावतो, और हम मौत के बल जाते हैं। यीशु किस म्हणाले, ज्यावेळेस मी येईन, प्रभु यीशु ने कहा कि जिस दिन मैं आऊंगा, मेरे लोक में उठवल, मरे जो मौत के बल गए लोग हैं उनको, जो विश्वास सारे लोग है, जो विश्वास से भरे लोग हैं, त्यांना मी घेऊन जाईन, उन्हें मैं अपने साथ ले जाऊंगा। जे विश्वास न ठेवणे लोक आहे, और जो विश्वास न रखने वाले लोग हैं, अशा लोकांचं मी न्याय करण, ऐसे लोगों का मैं इंसाफ करूंगा। थेसलिनियो का पत्र 4:13-16 यामध्ये देव म्हणतो, इसमें परमेश्वर ने कहा, आद्य देवदूतांची वाणी, जो अगम्य देवदूत है उनकी वाणी, देवाची तुतारी, परमेश्वर की जो तुतारी है, देवाचा ध्वनी, परमेश्वर का ध्वनि, त्यावर देव येईल, जिस वक्त परमेश्वर आएंगे, त्यावेळेस तो मेरे लोक उठवेल, उस वक्त वो जो मरे हुए लोग हैं उन्हें उठाएंगे, त्यांना प्रथम तो घेऊन जाईल, उन्हें प्रथम वो ले जाएंगे, जे जिवंत आहे, और जो जीवित है, जे विश्वासणारे, जो विश्वास से भरे, त्यांना भी घेईल, उन्हें भी अपने साथ, जे अविश्वास लोक आहे, लेकिन जो अविश्वासी है, यांचा तो न्याय करेल, उनका वो इंसाफ करेगा, यामध्ये तो भेद करेल, इसमें वो फरक करेंगे। कई लोग स्वर्गात घेऊन जाईल, कुछ लोगों को स्वर्ग में ले जाएंगे, कई लोग तो नरक टाकेल, और कुछ लोगों को नरक में डाल देंगे। हे दूसरा मरण,
ये दूसरी मौत कि तो त्यांना यातनास्थळी घेऊन जाईल, वो उन्हें यातनास्थल मिल जाए, तुम्हें मैं बदल कर शकत नहीं, उसमें हम और आप बदल नहीं कर सकते। जो पर हमें जीवंत है, जब तक हम जीवित हैं, जो पर हमारा मृत्यु येत नहीं, जब तक हमें मौत नहीं आती, तो पर हमें देवाकडे गेलच पाहिजे, तब तक हम परमेश्वर के पास जाना जरूरी है, देवाचा धावा केलाच पाहिजे, परमेश्वर को दुहाई देनी जरूरी है, हमें पापाचा पश्चाताप केला पाहिजे, पापों का पश्चाताप करना जरूरी है, हमारा देवाकडे क्षमा मागितली पाहिजे, परमेश्वर के पास क्षमा मांगनी जरूरी है, हमें देवाचं तारण साधून घेतलं पाहिजे, परमेश्वर से उद्धार प्राप्त करना जरूरी है, आम्हाला देव सार्वकालिक जीवन देतो, परमेश्वर हमें अनंतकालिक जीवन देते हैं, त्यामुळे आम्हाला मरण येतच नाही, जिस कारण हमें मरण नहीं आता, देव आता आमच्यावर राहतो, परमेश्वर हमारे साथ रहते हैं, मेल्यानंतर तो आमच्यावरच राहतो, हम मरने के हमारे मौत आने के बाद भी परमेश्वर हमें साथ लेते हैं, मृत्यु आम्हाला देवापासून अलग करू शकत नाही, मौत हमें परमेश्वर से अलग नहीं कर पाती, मी याचा अनुभव घेतलेला आहे, मैंने इसका अनुभव लिया है, आमचे वडील जेम्स ठाकूर, हमारे पिताजी जेम्स ठाकूर, ज्यावेळी समय आला, जब वक्त आया, समय आया, ते देवाचे सेवक होते, वो परमेश्वर के सेवक थे, ते मंडळीचे संस्थापक होते, वो इस कलीसिया के संस्थापक थे, त्यांच्या द्वारे देवाने मंडळी तयार केली, उनके द्वारा परमेश्वर ने इस कलीसिया की स्थापना की, कार्याची सुरुवात केली, कार्य की शुरुआत हुई, त्यांच्यानंतर मी सुरू केलं, उनके बाद ये मैंने शुरुआत, वेळ आली, समय त्यांना मृत्यू आला, समय अनुसार उन्हें मौत आई, आम्ही फार दुःखी आलो, हम बहुत दुखी हुए, आम्ही फार कष्टी आलो, हम बहुत तकलीफ में थे, आमची मंडळी भी फार दुःखी आली, हमारी कलीसिया बहुत दुखी थी, कारण ते मंडळीचे अध्यक्ष होते त्यावेळी, क्योंकि वो कलीसिया के अध्यक्ष थे, आम्ही फार घाबरून गेलो होतो, हम बहुत डरे हुए थे, पण देवाची इच्छेने त्यांना मृत्यू आला, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञानुसार उन्हें मौत आई, आम्ही खूप शोक केला, हमने बहुत ढूंढा, आम्ही खूप रडलो, हम बहुत रोए, आम्ही कब्रस्थानात त्यांची सर्व क्रिया केली, हमने कब्रिस्तान में उनकी सब क्रिया की, त्यांच्यासाठी शोक केला, उनके लिए हमने शोक किया, पुष्कळचा शोक केला, बहुत हमने शोक किया, त्यावेळेस येशू ख्रिस्त आमच्याजवळ आला, उस वक्त प्रभु येशू हमारे पास आए, तो आम्हाला बोलला, उन्होंने हमसे कहा, तुझे वडील जेम्स, तुम्हारे पिताजी जेम्स, ते इथे आहे, वो यहां पर है, ते इथे नाही आहे, वो यहां पर तो नहीं है, त्यांनी आम्हाला हाक मारली, उन्होंने हमें पुकारा, पवित्र आत्माद्वारे, पवित्र आत्माद्वारा, आमची बहीण कल्पना रॉजर्स द्वारे, हमारी बहन सिस्टर कल्पना विवेक रॉजर्स द्वारे, त्यांनी आम्हाला मार्गदर्शन केलं, परमेश्वर ने मार्गदर्शन दिया, योशा योशा योशू योशू, तुझे वडील जेम्स, तुम्हारे पिताजी जेम्स, इतना नहीं है, वो यहाँ पर नहीं है, ते माझ्याकडे है, वो मेरे पास है, ते सुखी समाधानी है, वो सुखी और समाधानी है, ते सुरक्षित है, वो सुरक्षित है, ते आराम करता, वो आराम में है, ते तो तुझे आठवण भी करत नाही, वो तो तुम्हें याद भी नहीं कर रहे, एवढे सुखी ते, इतने वो सुखी है, इतुम पुढे दुःख नाही, उसके आगे दुख नहीं, कष्ट नहीं, तकलीफ नहीं, त्रास नहीं, कोई तकलीफ, आजार नहीं, बीमारी नहीं, कैस नहीं, कुछ नहीं, सुरक्षित है, मायाकडे सुरक्षित है मेरे पास। जेम्स ठाकूर भी देव होता, जेम्स ठाकूर के साथ परमेश्वर थे, मृत्यूनंतर भी देव त्यांच्यावर आहे, मौत के बाद भी परमेश्वर उनके साथ है। देवाचं प्रेम कधी अंतर देत नाही, परमेश्वर का प्रेम कभी अंतर नहीं देता, मृत्यू देवापासून आम्हाला अलग करू शकत नाही, मौत हमें परमेश्वर से अलग नहीं कर पाएगी, पापामुळे देवापासून आम्ही अलग होतो, पाप के कारण हम परमेश्वर से बिछड़, पापापासून आम्ही सर्व सुखापासून अलग होतो, पाप के कारण हम सभी सुखी चीजों से वंचित रह जाते, पापामुळे आम्हाला मरण येतो, पाप के कारण हमें मौत आती है, शारीरिक मृत्यू आला निश्चित आहे, शारीरिक मौत ये तो निश्चित है, आत्मिक मृत्यू झाला नाही पाहिजे, आत्मिक मौत नहीं होनी चाहिए, यासाठी देव आमच्याकडे आलेला आहे, इसलिए प्रभु परमेश्वर हमारे पास आए, आम्ही नाशातून बचाव व्हावा, ताकि हमारा नाश से बचाव, या मरणाने आम्ही मरू नये, उस मौत से हम ना मरे, ये संधि है, ये अवसर है, ये वेळ है, ये वक्त है, ये समय है, वेळ दौड़ू नका, ये वक्त ना गवाए, पाप करत बसू नका, पाप ना करते रहे, कभी भी मृत्यु येईल तुम्हाला, कभी भी मौत आ सकती है, आज भी मृत्यु येईल, आज भी मौत आ सकती है, कभी भी मृत्यु येईल, कभी भी मौत आ सकती है, मृत्यूनंतर तुमच्यासाठी आम्ही काहीच करू शकत नाही, मौत के बाद हम आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, कोणीच कोणासाठी काय करू शकत नाही, कोई इंसान दूसरे इंसान के लिए कुछ नहीं कर पाता, पुष्कळ लोक मृत्यूनंतर प्रार्थना करतात, कई सारे लोग मौत के बाद लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, त्या माणसासाठी प्रार्थना करतात, उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना, त्या माणसासाठी पुष्कळ गोष्टी करतात, उस व्यक्ति के लिए कई सारी चीजें करते हैं, सर्व चूक आहे, ये सब गलत है, ये सर्व चूक आहे, ये सब गलत है, ये सर्व व्यर्थ है, ये सब व्यर्थ है, येशू किस म्हणाला आहे, प्रभु येशू ने कहा है, इब्रानी 9:27 मध्ये तो म्हणला आहे, इब्रानी 9:27 मध्ये एकदा मरणे, एक बार मरना, मग मी न्याय करण, उसके बाद में न्याय करूंगा, तुम्ही मी काय बदलाव करू शकत नाही, आप और हम उसके बीच में कोई बदलाव नहीं, त्या माणसासाठी प्रार्थना करू शकत नाही, उस इंसान के लिए हम प्रार्थना नहीं कर सकते, त्या माणसाचं तारण करू शकत नाही, उस मनुष्य का हम उद्धार नहीं कर सकते, त्या माणसाला आम्ही काय त्याच्यामध्ये काहीच बदल करू शकत नाही, उस मनुष्य में हम कुछ बदलाव नहीं कर सकते, उसके से लोग ते करतात, कई सारे लोग ये चीजें करते हैं, ये चुकीचं काम बंद करा, ये गलत काम आप बंद करें, जो पर्यंत मनुष्य जीवंत आहे, जब तक मनुष्य जीवित है, तो पर्यंत त्याला वाचवण्याचा प्रयत्न करा, तब तक
उसे बचाने की कोशिश चला स्वर्थ सांगा उसे सुसमाचार चला साक्ष सांगा उसे गवाही सुना चला देवा को विनंती प्रयत्न करा उसे परमेश्वर पे पास लाने की कोशिश करें। मृत्यु चा उधर तारण झाला पाहिजे मौत के पहले उद्धार होना जरूरी है। देवा से जीवन प्राप्त झाला पाहिजे परमेश्वर का जीवन प्राप्त करना जरूरी है। हेच जीवनाचं सर्वात महत्त्वाची गोष्ट आहे आज यही जीवन के बहुत अहम बात है। आम्ही यूहन 3:16 वाचतो हम यूहन्ना 3:16 पढ़ते आम्हाला पाठ आहे ये हमें बायहाट है। मनुष्य ने सर्व जग मिळवलं मनुष्य ने पूरे संसार को जीता पण आपल्या आत्म्याचा नाश केला लेकिन अपने आत्मा को गवाया तो काय लाभ है तो उसका क्या लाभ सर्व मिळवलं सब कुछ प्राप्त किया पण तारण झालं नाही लेकिन उद्धार नहीं हुआ। एवढी मोठी देवाची योजना है एक बहुत बड़ी परमेश्वर की योजना है तारणाची योजना है जो उद्धार की जो योजना इब्रानी 2:3 प्रमाणे इब्रानियों 2:3 में लिखा है त्याच्याकडे आम्ही दुर्लक्ष करतो उसके पास हम ध्यान नहीं देते नाश म्हणून आमचं जिसके कारण नाश होगा ये दूसरा मरण है ये दूसरी मौत है। दूसरा मरण होने दूसरी मौत ना हो यासाठी यीशु के सहारे आहे इसलिए प्रभु यीशु आए हैं। पापामुळे आमचं मरण होतं पापों के कारण हमारी मौत होती है। पापच करत राहू हम पाप ही करते रहे आम्ही देवा विश्वास ठेवणार नाही हम परमेश्वर पर अगर विश्वास नहीं रखते देवाकडे जाणार नाही अगर हम परमेश्वर के पास नहीं जाएंगे तर आमचा नाश होतो तो हमारा नाश होगा आम्ही नरकात जातो हम नरक में जाते हैं। जे विश्वास ठेवतात जो विश्वास रखते हैं त्यांनी तारण प्राप्त केले जिन्होंने जिनका जिनको तारण प्राप्त हुआ है ते मरणानंतर देवाकडे जातात वो मौत के बाद परमेश्वर के पास जातात सुरक्षित राहतात वो सुरक्षित रहते हैं। आम्ही बाइबल मध्ये पाहतो हम बाइबल में देखते हैं दोन चोर यीशु के स्तंभावर होते दो चोर प्रभु यीशु के साथ थे वो दस्य होते वो क्रूस पर थे दोन चोर होते दो चोर एक उजवीकडे एक डावीकडे होता एक दाई और एक बाई और था। एकाने देवाचा स्वीकार केला एक ने परमेश्वर का स्वीकार किया एकाने देवाचा नकार दिला एक ने परमेश्वर का परमेश्वर को उसने धुतकार एक मला एकाने स्वतःला वाचवण्याचा प्रयत्न केला एक ने खुद को बचाने की कोशिश की दुसऱ्याने पश्चाताप केला दूसरे ने पश्चाताप किया त्याने ईश्वर विश्वास ठेवला उसने प्रभु यीशु पर विश्वास रखा त्याने पश्चाताप केला उसने मन फिराव किया त्याने देवाला सांगितलं उसने प्रभु यीशु को कहा ज्यावेळेस तू त्यास माझी आठवण ठेव जिस दिन आप आएंगे उस दिन मुझे आप याद करें त्यावेळेस यीशु किस काय म्हणाला उस वक्त प्रभु यीशु ने उसे क्या कहा आज मजबरोबर तू सुखलोकात असशील आज तुम मेरे साथ सुखलोक में रहोगे कारण त्याला भी मृत्यु शिक्षा झाली होती क्योंकि उसे भी मौत की सजा हुई थी मृत्यूनंतर तू मजकडे असेल मौत के बाद तुम मेरे साथ रहोगे तू मरणार नाही तुम्हें मौत नहीं आएगी देवाकडे असेल तुम परमेश्वर के साथ रहोगे जीवंत राहील जीवित रहोगे हे देवाचं वचन आहे ये परमेश्वर का वचन ते तुमच्या माझ्यासाठी आहे ये आपके लिए और हमारे लिए है। मृत्यू आम्हाला मारू शकत नाही मौत हमें मार नहीं सकती जर आम्ही देवावर विश्वास ठेवतो हम अगर परमेश्वर पर विश्वास देवाच्या वचनावर विश्वास ठेवतो परमेश्वर के वचन पर विश्वास त्याप्रमाणे करतो उसके अनुसार चलते हैं देव हमसे उद्धार करते परमेश्वर हमारा उद्धार करते हैं। देवस प्रेम हमला अंतर देत नहीं परमेश्वर का प्रेम हमें अंतर नहीं देता आता भी देव हमसे हो रहा है अभी भी परमेश्वर हमारे साथ है मैंने अंतर भी तो हमसे हो रहा तो और मौत के बाद भी हमारे साथ रहेंगे देवस प्रेम परमेश्वर का प्रेम अलौकिक प्रेम ये अलौकिक प्रेम त्याला कोणीच थांबू शकत नाही उसे कोई नहीं रोक सकता त्याला कोणीच मारू शकत नाही उसे कोई मार नहीं सकता त्याला मृत्यू भी थांबू शकत नाही उसे मौत भी नहीं रोक सकती मृत्यू भी रोकू शकत नाही और कोई नहीं रोक सकता हे देवाचं प्रेम आहे ये है परमेश्वर का आम्ही अनुभव घ्या आप इसका अनुभव आणि पापापासून लांब राहा और पाप से दूर हे पापाचे परिणाम मी भोगतो ये पाप के परिणाम हम भुगतते हैं या वचनातून बोध घ्या इस वचन से इस वचन स्वतःची काळजी घ्या देखभाल करें सावधान राहा और सावधान रहे ते या वचनातून आम्ही काही गोष्टीचा बोध घेतलेला आहे इस वचन द्वारा हमने कुछ बातों का जो जिक्र किया याचं मनन करा इसका अध्ययन करें तारण साधून घ्या और तारण प्राप्त करें एवढी मोठी देवाची योजना है एक बहुत बड़ी जो परमेश्वर की योजना तुमच्या माझ्यासाठी आहे वो जो हमारे लिए है जगात पुष्कळशी योजना है इस संसार में कई सारी संकल्प है कई सारे संकल्प पुष्कळ स्कीम है कई सारी स्कीम पुष्कळशी गोष्टी है कई सारी चीज है ये फसवणूक आहे ये सब फसाने वाली भुलवणूक आहे ये फसाने वाली तात्पुरते है ये कुछ समय के लिए ये आमचा जीव वाचू शकत नाही ये हमारे हमारी जान नहीं बचा ये मरणातून सुटका करू शकत नाही हमें मौत से नहीं बचा सकती देवाची योजनेकडे लक्ष द्या परमेश्वर की योजना की ओर ध्यान दे देव काय म्हणते याकडे लक्ष द्या परमेश्वर क्या कहते इसकी ओर ध्यान पापाचे परिणाम भोगू नका पाप के परिणाम ना भुगते यातून देव तुम्हाला बाहेर काढेल इसमें से परमेश्वर हमें बाहर निकाले चांगले दिवस अच्छे दिन चांगला वेळ अच्छा समय चांगला समय अच्छा वक्त चांगलं शिक्षण अच्छा ज्ञान चांगली नोकरी अच्छी नोकरी चांगलं कुटुंब अच्छा परिवार देव तयार करल परमेश्वर तयार करल चांगले दिवस देव दाखवल अच्छे दिन परमेश्वर चांगले आशीर्वाद देव तुम्हाला देईन अच्छा आशीष परमेश्वर दादा प्रमाणे
योहना 10:10 में मैं आलो आहे, मैं आया हूँ, विपुल अशा गोष्टी घेऊन आलेला आहे, विपुल चीजें देने के लिए मला मला देण्यासाठी आलेला आहे, वो आपको और हमें देने के लिए आए हैं। मी 30 वर्ष अनुभव घेतो, मैं पिछले 30 सालों से अनुभव, चांगला गोष्टी त्यांनी मला दिलेल्या आहे, कई सारी अच्छी चीजें परमेश्वर ने मुझे दी, त्यामध्ये मी आनंदित आहे, उसमें मैं आनंदित हूँ, माझं कुटुंब आनंदित आहे, मेरा परिवार आनंदित, माझी मंडळी आनंदित आहे, मेरी कलीसिया आनंदित आहे, सर्व गोष्टी त्यांनी दिलेल्या आहे, ये सभी चीजें हमें जो उत्तम ते दिलेले आहे, जो उत्तम है वो हमें, त्यामुळे आम्ही कशाला घाबरत नाही, जिस वजह से हम किसी बात कशाला भीत नाही, किसी बात से नहीं डरते, काळजी करत नाही, किसी बात की चिंता नहीं करते, मरणाला तर आम्ही घाबरतच नाही, हम मौत को तो बिल्कुल नहीं डरते, देव मला आता भी मी आहे, परमेश्वर ने कहा मैं आज भी तुम्हारे पुढे भी मी आहे और आगे भी तुम्हारे साथ हूँ। प्लीज लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। हे मातो सभाग, ये अहम बात है। मातो सभाग मी सुरुवातीला तुम्हाला बोललो, मैंने एक अहम बात शुरुआत में आपसे कही थी कि 7 महीने आम्ही सोशल मीडिया देवचन आज्ञा से पालन करता हो, पिछले 7 महीनों से हम सोशल मीडिया पर आकर देता हो, हम जो सुसमाचार सुनाते हैं, देव अपने वचन पूर्ण करता है, परमेश्वर अपना वचन पूरा कर रहे हैं। यिर्मयाह 1:12 प्रमाणे, यिर्मयाह 1:12 में लिखा, देव जो बोलते तो करतोस, परमेश्वर जो बोलते हैं वो करते हैं, देवाच वचन मी सहज घेत नाही, परमेश्वर का वचन हम यूं ही नहीं, देवाच वचन सामर्थ्य है, परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है, नवनिर्मिती है, बदलाव है, परिवर्तन है, और परिवर्तन है, देव बोलते तो करतो, परमेश्वर जो बोलते हैं। 7 महीने तो हमें अनुभव घेतला, ये हमने 7 महीने मैं प्रार्थना करत गेलो, हम प्रार्थना करते गए, देव म्हणला मी येत आहे, परमेश्वर ने कहा कि मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, देव येत कसा आहे, परमेश्वर कैसे आ रहे हैं, कसा देव येत आहे, कैसे आ रहे हैं, अनुभव घ्या, अनुभव ले, हळूहळू सर्व कोरोना व्याधी समाप्त होत चाललेली आहे, धीरे धीरे कोरोना बीमारी खत्म हो रही है, हळूहळू आजार हा बाहेर चाललेला आहे, धीरे धीरे बीमारी ये बाहर निकल रही है, औषध नसताना भी चाललेला आहे, इसकी दवाई ना होते हुए भी ये निकल जा रही है, देव औषध से मोहताज नहीं है, परमेश्वर दवाई का मोहताज नहीं है, देव येत आहे, परमेश्वर आ रहे हैं, देव येत आहे म्हणजे काय, परमेश्वर आ रहे मतलब क्या है, देव येत आहे म्हणजे काय, साधी गोष्ट नहीं है, परमेश्वर आ रहे मतलब ये एक मामूली बात नहीं है, तो पवित्र पवित्र देव आहे, वो एक पवित्र परमेश्वर है, तो सर्व सत्ताधारी आहे, उनके हाथ में सब सत्ता सर्व अधिकार तयाकडे आहे, सब अधिकार उनके हाथों में है, तो निर्माण करता उत्पन्न करता देव आहे, वो निर्माण करने वाले परमेश्वर है, तो वैभवशाली देव आहे, वैभवशाली परमेश्वर, तो विजयशाली देव आहे, विजयशाली परमेश्वर, सर्व तो बदलाव करणारे देव आहे, सब बदलने वाले परमेश्वर, सर्व त्याची सत्ता, सर्व त्याचा अधिकार आहे, सभी चीजों पर उनका अधिकार है, तो येत आहे, वो आ रहे हैं, म्हणजे तो सर्व सुरळीतच करून टाकला आता, वो सब ठीक कर देंगे, तो ठीकठाक करते सर्व गोष्टी, वो सब चीजें ठीक ठाक कर रहे हैं, तो सर्व ठीक, सर्व व्यवस्थित असेल, वो जब आएंगे तो सब चीजें ठीक हो जाएंगी, औषध न देता भी तो सर्व ठीक करू शकतो, वो दवाई ना होते हुए भी सब चीजें ठीक कर देंगे, अनुभव घ्या, इसका अनुभव ले, विचार करा, विचार करें, जगाला सर्व गोष्टी करता आल्या नाही, ये संसार में इस संसार के लोगों को ये सब चीजें करते नहीं आई, कोणालाच काय करता आलं नाही, ये किसी से नहीं हुआ, कोणाला औषध सापडलं नाही, ये किसी से इसकी दवाई तरी लोग वाचत गेलेले, फिर भी लोग बचते गए, लोकांचा बचाव झालेला आहे, लोगों का बचाव हुआ, जे गेले गेले, जो गए वो गए, ते देवाची इच्छा होती, वो परमेश्वर की इच्छा, पुष्कळ से लोग एक संख्येने वाचले, और कई सारे लोग बड़ी संख्या में बच गए, डॉक्टर च्या उपचारामध्ये, डॉक्टर के उपचार में, देवाने प्रेम केलं, लोकांना वाचवलं, परमेश्वर ने प्रेम किया, लोगों को बचाया, औषध सापडलंच नाही, इसकी दवाई का निजात हुआ नहीं, तरी देवाने लोकांना बरे केले, फिर भी परमेश्वर लोगों को चंगाई दी, आज जगात देव विसावा आणत आहे, आज इस संसार में परमेश्वर विश्रांति ला रहे हैं, सर्व ठिकाणी देवाचा हात आहे, सभी जगह में परमेश्वर का हाथ है, देव येत आहे, परमेश्वर आ रहे हैं, सर्व जगामध्ये, पूरे संसार में, भारत देश में, तो सर्व सुरित करेन, वो सब ठीक कर देंगे, तो ये तो त्यावर सर्व सुरित करून टाकतो, वो जब आएंगे तो सब ठीक कर देंगे, तो सामर्थ्यशाली देव आहे, वो सामर्थ्यशाली परमेश्वर, तो ये ते म्हणजे बघा सर्व सुरित होत चाललेले, वो आ रहे मतलब सब ठीक हो रहा है, ते मला सांगितलं, उन्होंने मुझसे कहा, मी येत आहे, मैं आ रहा हूं, यहोशू यहोशू मी येत आहे, यहोशू मैं आ रहा हूं, मी येतच आहे, बघ मैं आ रहा हूं, मी अनुभव घेत आहे, मैं अनुभव ले रहा हूं, सर्व गोष्टी सुरळीत होत चाललेले, सभी चीजें ठीक हो रही है, देव नुसता बोलला, परमेश्वर ने सिर्फ कहा, सर्व सुरळीत होत चाललेले, सब ठीक होते जा रहा है, कोरोना बीमारी बाहेर नष्ट होत चाललेली आहे, कोरोना बीमारी नष्ट हो रही है, पाऊस देवाने थांबवला, बारिश परमेश्वर ने रोक दी, युद्धामध्ये तो व्यवस्था आणत आहे, युद्ध में व्यवस्था ला रहे हैं, सर्व गोष्टी सुरळीत का सर्व कार्य सुरू करत आहे, सभी चीजें ठीक कर रहे हैं, तो प्रार्थना स्थल भी तो सुरू करेल, प्रार्थना स्थल भी वो शुरू करेंगे, बघा तू नुसते येते म्हणले की सर्व सुरळीत होते, देखिए उन्होंने सिर्फ कहा कि मैं आ रहा हूं तो सब ठीक हो रहा है, देव तो परमेश्वर जब आएंगे, प्रकाशित होता अंधकार नष्ट हो तो, तब प्रकाश में जो अंधकार है वो नष्ट हो जाता है, जब प्रकाश पड़ता त्यास अंधकार नष्ट हो तो, जब
प्रकाश गिरता है तो अंधकार नष्ट हो जाता है। जब देव तो जिस वक्त परमेश्वर आते हैं तब सर्व बिगड़ लेते सुलित करून टाकतो, जो कुछ बिगड़ा हुआ है वो सब ठीक कर देते हैं। हे देवस येणे, ये परमेश्वर का आना, तो येईल तेव सर्व सुलित असेल, वो जब आएंगे तो ये सब ठीक होगा। सर्व देशात व्यवस्था असेल, पूरे देश में व्यवस्था होगी, एक विसावा असेल, एक विश्रांति होगी। देव आपलं गौरव कोणास देत नाही, परमेश्वर अपना गौरव किसी को नहीं देते। त्यांनी या दिवसात कोणाला आपलं गौरव दिलं नाही, उन्होंने इन दिनों अपना गौरव किसी को नहीं दिया, कोणाला दिलं नाही, किसी को नहीं दिया। म्हणून मी त्या देवाचं गौरव करतो, इसलिए हम परमेश्वर का गौरव करते हैं। आम्ही जी प्रार्थना केली, हमने जो प्रार्थना की ती देवाने ऐकलेली आहे, जो परमेश्वर ने सुनी है, ऐकतच आहे, वो सुन रहे हैं। अनेक लोकांसाठी मी प्रार्थना करता हूं, अनेक लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, अनेक लोकांच्या समस्येसाठी प्रार्थना करता हूं, अनेक लोगों की समस्या के लिए हम प्रार्थना, अनेक लोग संपर्क करत आहे, अनेक लोग जो संपर्क करत, घर घरात देव काम करत आहे, घर घर में परमेश्वर कार्य करत, म्हणून मी देवाचं गौरव करत आहे, वो परमेश्वर का गौरव करते, देवाचं महिमा करत आहे, परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। तो लवकर येईल, वो जल्दी आएंगे, अजून लोक सर्व व्यवस्थित होईल, और जल्दी सब ठीक होगा, सर्व देश शांति राहील, पूरे देश में शांति, सर्व गोष्टी देशाची व्यवस्था अर्थव्यवस्था सर्व गोष्टी व्यवस्थित होतील, इस देश की सभी प्रकार की व्यवस्था वो ठीक हो, सर्व गोष्टीचा देव मार्ग खुला करेल, सभी चीजों के मार्ग परमेश्वर खोल देंगे, कारण देवाने बंद केलं, क्योंकि परमेश्वर ने रोका, त्यामुळे ते कोणाला खोलता येत नाही, इस वजह से किसी से खुलेगा नहीं, देवच ते खोलल, केवल परमेश्वर इसे खोल, प्रार्थना स्थळ देव उडेल, प्रार्थना स्थल परमेश्वर चालू करेंगे, हमसे विश्वास है, ये हमारा विश्वास है, तो बोला है, ऐसा उन्होंने कहा है, तो देव समय धन्यवाद करता हूं, परमेश्वर का हम धन्यवाद करते, देव समय गौरव करता, उस परमेश्वर का हम गौरव करते हैं। पुष्कर से लोग, कई सारे लोग, अनेक प्रश्न समस्या है, अनेक लोगों की प्रश्न समस्या है, मैं भी प्रार्थना करता हूँ, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, हमें त्यांची नोंद करता हूँ, उनके हम नोंद करते हैं, नावाची नोंद करता हूँ, उनके नाम हम लिखते हैं, मैं भी प्रार्थना करता हूँ, उनके लिए हम समय समय प्रार्थना, अनेक लोग आता ऑफिस में चालू केलेला आहे, हमने जो ऑफिस शुरू किया है, ऑफिस का टाइम टेबल मी दिलेला आहे, ऑफिस का टाइम टेबल हमने जो दिया है, पुष्कळ से लोग येऊन भेटत आहे, कई सारे लोग हमें आके मिलते हैं, त्यांची समस्या प्रश्न घेऊन येत आहे, उनकी समस्या लेकर आते हैं, सोमवार और गुरुवार 11-2 मी ऑफिस मध्ये असतो, 11-2 मैं ऑफिस में रहता हूँ, शुक्रवार और शनिवार की 7-9 असतो, 6-9 पुष्कळ से लोग येऊन भेटतात, कई सारे लोग नवीन नवीन लोग भी भेटतात, नए लोग आकर मिलते, अनेकांचे प्रश्न समस्या है, अनेक लोगों की जो समस्या है, आम्ही देवाच्या वतीने त्यांना मार्गदर्शन करतो, परमेश्वर की ओर से उन्हें मार्गदर्शन करते, सांत्वन उन्नति उत्तेजन देव देतो, और जो निवारण वो परमेश्वर करते हैं, तर मी प्रत्येकाला आमंत्रण करतो, इसलिए मैं हर एक व्यक्ति को आमंत्रण करतो, लोकांना आवश्यकता है, जिन लोगों को आवश्यकता है, त्यांनी संपर्क ठेवा, व हमसे संपर्क कर सकते, फोन द्वारे ठेवा, फोन के द्वारा कर सकते, जर वाटल भेटायचं त्यावेळेस भेटायची गरज असेल त्यावेळेस भेटा, और अगर लगता है कि आपको हमें मिलना है तो हमें देवाच्या वतीने तुम्हाला मार्गदर्शन करू, हम परमेश्वर की ओर से आपको मार्गदर्शन करेंगे, देव तुम्हाला त्यातून बाहेर काढेल, परमेश्वर आपको उसमें से बाहर निकालेंगे, देवाचं गौरव होईल, परमेश्वर का गौरव करेंगे, देव किती चांगला आहे, परमेश्वर कितने अच्छे हैं, याचा अनुभव घ्या, इसका अनुभव ले, देवाचं गौरव द्या, और परमेश्वर का गौरव, संजय जेम्स ठाकूर मिनिस्ट्री एकच पेज आहे, ये केवल एक पेज है, दुसरं कोणतेच नाही, और दुसरा और कोई पेज नहीं, इथं संपर्क करा, यही संपर्क करें, जे काय सांगा, जो कुछ कहना है, आम्ही तुम्हाला उत्तर देऊ, हम आपको जवाब देंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो, चला आपण प्रार्थना करू, चलिए हम प्रार्थना करेंगे, स्तुतिस पात्र सन्मानासोग्य आमच्या प्रेमळ करणारे बापा, स्तुति की योग्य सन्मान की योग्य हमारे जीवित प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद मान सम्मान गौरव पुनः क्रमित चरणों तो, धन्यवाद मान सम्मान देते हुए हम आपके चरणों में आते हैं, तू महान है, आप महान है, अद्भुतशाली देव है, आप अद्भुतशाली परमेश्वर, अलौकिक देव है, आप अलौकिक परमेश्वर, वैभवशाली देव है, आप वैभवशाली परमेश्वर है, तू निर्माण करता उत्पन्न करता देव है, आप निर्माण करने वाले जीवित परमेश्वर है, तू विजयशाली देव है, आप विजयशाली परमेश्वर है, तू कभी न हारा देव है, आप ना हारे हुए परमेश्वर हैं, तू यश देणारा देव परमेश्वर, आप यश देने वाले परमेश्वर हैं, मैं तेरे देवा से धन्यवाद करता हूँ, इसलिए हम परमेश्वर का आपका धन्यवाद करते, महिमा करता हूँ, आपकी महिमा करते हैं, गौरव करते हैं, आपका गौरव करते हैं, जो तू बोलते हो, जो कुछ आप बोलते हैं, तू करते हो परमेश्वर, वो आप करते हैं, तू करत है परमेश्वर, आप कर रहे हैं, मैं तुझे गौरव करता हूँ, इसलिए आपका गौरव करते हैं, स्वर्गीय देव जो बाप देव जो पुत्र देव जो पवित्र आत्मा से मैं जयघोष करता हूँ, स्वर्गीय पिता पुत्र पवित्र आत्मा का हम जय घोष करते हैं, तुझे नाव से महिमा करतो, आपकी महिमा करते हैं, तुम्हारा मैं ये ताए, आपने कहा मैं आ रहा हूँ, तुम्हारा मैं ये ताए, आपने कहा मैं आ रहा हूँ, खरो को सर्व जगह की परिस्थिति बदलत साली ले परमेश्वर, इस संसार की परिस्थिति बदल रही है, सर्व कोरोना व्याधि दहाड़ो नष्ट करते परमेश्वर, कोरोना बीमारी ये
इस संसार से नष्ट हो रही है। वृष्टि तो थांबली परमेश्वर, आपने बारिश को रोक दिया। अनेक गोष्टी तो थांबत चालला परमेश्वर, अनेक चीजें आप रोक रहे हैं। युद्धामध्ये भी तू व्यवस्था आणत आहे परमेश्वर, युद्ध में भी आप व्यवस्था ला रहे हैं। सर्व गोष्टी तू सुलित करत चालला परमेश्वर, सभी चीजें आप ठीक कर रहे हैं। तू येण्याने सर्व गोष्टी सुलित होतात परमेश्वर, आपके आने से सब चीजें ठीक हो रही है। खरोखर तू महान असा देव परमेश्वर, आप सचमुच एक महान परमेश्वर है। तुझ्या नावाचं पुन्हा एक आम्ही गौरव करतो, फिर एक बार हम आपका गौरव करते हैं। पुन्हा एक आम्ही तुला विनवणी करतो, फिर एक बार हम आपसे विनती करते हैं। प्रार्थना सर्व उघडणारा केवळ तूच देव परमेश्वर, प्रार्थना सर्व शुरू करने वाले केवल परमेश्वर आप हैं। प्रभु तुझ्या नामात प्रार्थना सर्व उघडत परमेश्वर, प्रभु येशू आपके नाम में प्रार्थना सर्व शुरू करें। सर्व प्रार्थना सर्व उघडत परमेश्वर, प्रभु येशू सभी प्रार्थना सर्व आप शुरू करें। तुझ्या नामात उघडत परमेश्वर, आपके नाम में शुरू करें। तुझा गौरव दे परमेश्वर, और आपका गौरव हो। मंदिरा मंदिरात तुझा जय घोष दे परमेश्वर, मंदिर मंदिर में आपका जय घोष, तुझ्या नावाचा महिमा हो दे परमेश्वर, आपकी महिमा हो। तुझी कीर्ती हो दे परमेश्वर, आपकी कीर्ति हो। कारण तू फार महान देव आहे, क्योंकि आप एक बहुत महान परमेश्वर, पवित्र 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 असा देव परमेश्वर, क्योंकि आप पवित्र 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 ऐसे परमेश्वर है। मी तुझं गुणगान करतो, इसलिए हम आपका गुणगान करतो। तू आपलं वचन पाहण्यास नेहमी सावध असतो, आप आपका वचन पूरा करने के लिए हमेशा सावधान है। म्हणून धन्यवाद करतो परमेश्वर, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। पुन्हा एक आम्ही तुझ्या चरणी येतो परमेश्वर, फिर एक बार हम आपके चरणों में आते हैं। वेळोवेळी तुला प्रार्थना करतो, हम समय समय पे आपके लिए प्रार्थना करतो। वेळोवेळी तू मी तुला हाक मारतो, हम आपको पुकार रहे हैं, तो आमच्या प्रार्थनेला लक्ष देतो। हम आप हमारी प्रार्थना की ओर ध्यान देते हैं, उत्तर देतो, उसका जवाब देते हैं, कार्य करतो, कार्य करते हैं। त्यामुळे मी धन्यवाद करतो, इसलिए हम आपका धन्यवाद। प्रभु आम्ही कोण परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर हम कौन है, आमची योग्यता काय परमेश्वर, हमारी योग्यता क्या, पात्रता काय परमेश्वर, हमारी पात्रता क्या है। आम्ही सर्व पाहणार आहोत परमेश्वर, हम केवल मनुष्य है, आम्ही चुकतो पडतो परमेश्वर, हम गलती करते हैं। दया कृपा मला सांभाळते परमेश्वर, आपकी दया कृपा हमें संभालती है, आम्हाला क्षमा करते परमेश्वर, हमें आप क्षमा करते हैं। म्हणून मी पाहणार, इसलिए मैं मी यहोशुआ, मैं यहोशू, जे काय चुकतो पडतो परमेश्वर, जो कुछ गलतियां करता हूं, त्याची पुन्हा एक तुला क्षमा मागतो परमेश्वर, फिर एक बार मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, पुन्हा एक तुझ्याकडून विनंती करतो परमेश्वर, फिर एक बार मैं आपसे विनती करता हूं। आज सोशल मीडिया द्वारा परमेश्वर, आज सोशल मीडिया द्वारा घराघरातील लोक जे उपस्थित आहे परमेश्वर, घर घर में जो लोग मौजूद है, जे आशीन लोक तुझकडे आले परमेश्वर, जिस उम्मीद से लोग आपके पास आए हैं, जे विश्वासन लोक तुझकडे आले परमेश्वर, जिस विश्वास से लोग आपके पास आए हैं, अनेकांचे प्रश्न आहे, अनेक लोगों की जो प्रश्न है, समस्या आहे, समस्याएं हैं, अनेक लोग आजारी आहे, अनेक लोग जो बीमार है, अनेक जन बंधनात आहे, अनेक लोग जो बंधनों में, अनेक लोग गोंधळात आहे, अनेक लोग जो उलझे हुए, अनेक लोग अपयश होते, अनेक लोग जो अपयशी, अनेकांचे काम धंदे बंद आहे, अनेक लोग की काम जो बंद है, अनेकांच्या शिक्षणाचा अडचणी आहे परमेश्वर, अनेक लोग जो शिक्षा ले रहे हैं उनकी जो तकलीफें हैं, घराघरात प्रॉब्लम है परमेश्वर, जो घर घर में समस्या, घराघरात मान्य है परमेश्वर, घर घर में जो झगड़ा, घराघरात अशांति है परमेश्वर, घर घर में अशांति है, अनेक ठिकाणी गोंधळ आहे परमेश्वर, अनेक जगह पे जो उलझने हैं, जे लोग तुझकडे आले परमेश्वर, जो लोग आपके पास आए हैं, या प्रश्न समस्या तुम बाहर करना क्यों तू दे परमेश्वर, इस समस्या से बाहर निकालने वाले परमेश्वर केवल आप हैं। ये सर्वांचे प्रश्न तुला माहिती आहे परमेश्वर, सबकी समस्या आपको पता है, तुझे प्रभु येशू तुझ्या नामात त्यांचे प्रश्न सोडव परमेश्वर, प्रभु येशू आपके नाम में आप इनके प्रश्न छुड़ाए, इनकी काय चिंता तू सोडव परमेश्वर, इनकी तकलीफें आप छुड़ाए, इनसे मनोदय पूर्ण कर परमेश्वर, इनकी मनोकामना पूरी करें, जे आजार आहे त्यांना तुझ्या नामात भरे कर परमेश्वर, जो बीमारी है आपके नाम में आप उन्हें चंगाई दे, आता 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 भरे कर परमेश्वर, अभी 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 आप उन्हें चंगाई दें, ये शैतान ने बंधन तुझे नाम बंधन तोड़ परमेश्वर, प्रभु यीशु शैतान के बंधन आपके नाम में आप तोड़ दें, अत्ता अत्ता तो सोड़ परमेश्वर, अभी 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 आप तोड़ दें, तुझे नाम बंधन तोड़ परमेश्वर, आपके नाम में आप तोड़ दें। अनेक जन आले ले परमेश्वर, अनेक लोग जो है जय विश्वास ने आले परमेश्वर, जो विश्वास से आए हैं, पश्चाताप की संधि तेना दे परमेश्वर, पश्चाताप करने की अवसर आप उन्हें दें, त्यांनी आता तुझा स्वीकार करा परमेश्वर, वो अभी इसी क्षण आपका स्वीकार करें, आता त्यांनी पश्चाताप करा परमेश्वर, अभी इसी वक्त वो आपके सामने पश्चाताप करें। तू म्हणला मृत्यूनंतर संधी नाही आहे परमेश्वर, आपने कहा कि मौत के बाद कोई अवसर नहीं है, मृत्यूच्या अगोदर पश्चाताप झाला पाहिजे, मौत के पहले मन फिराव होना जरूरी है, तारण झालं पाहिजे, उद्धार होना जरूरी है, मृत्यूनंतर काहीच होऊ शकत नाही, मौत के बाद कुछ नहीं हो सकता, जे लोकांचं तारण झालं नाही परमेश्वर, जिन लोगों का उद्धार नहीं हुआ है, पासून दूर आहे परमेश्वर, जो आपसे दूर है, ते पापात आहे परमेश्वर, जो पाप में है, पापाचे परिणाम ते भोगते परमेश्वर, जो पाप के परिणाम भुगत रहे हैं, प्रभु येशू त्यांचं ताब तुझ्या हाती घे परमेश्वर, प्रभु येशू उनका नियंत्रण आप करें, त्यांना पश्चाताप बुद्धि दे परमेश्वर, उनको पश्चाताप करने की बुद्धि आप दे, पश्चाताप करण्यास त्यांना सहाय्य कर परमेश्वर, पश्चाताप करने के लिए आप उन्हें सहायता करें, त्यांचे झाले चुकांची क्षमा कर परमेश्वर, उन्हें की हुई अपराधों की आप उन्हें क्षमा करें, प्रभु येशू तुझ्या नामात त्यांचा उद्धार कर परमेश्वर, प्रभु येशू आपके नाम में आप उनका उद्धार करें, त्यांना जीवन दे परमेश्वर, उन्हें आप जीवन दे, त्यांना तारण दे परमेश्वर, उन्हें उद्धार करें, या सर्व पापातून त्यांना बाहेर काढ परमेश्वर, पूरे पाप से उन्हें बाहर निकाले, तुझ्या नामात कर परमेश्वर, आपके नाम में निकाले, तुझ्या नामात काम कर परमेश्वर, आपके नाम में आप कार्य करें, तू करशील त्यावर धन्यवाद करतो, आप करेंगे इसलिए आपका धन्यवाद करतो। अनेक जन अडचणीत आहे, अनेक लोग जो तकलीफ में, अनेकांचे कामाचे प्रॉब्लेम आहे, अनेक लोग काम की जो समस्या आहे, प्रभु त्यांचे कामाचे प्रॉब्लेम सॉल्व कर परमेश्वर, प्रभु येशू उनकी काम की समस्या आप सुलझा दें, जे शिक्षण घेते परमेश्वर, जो ज्ञान शिक्षा ले रहे हैं, शिक्षणाद्वारे त्यांना तू मदत कर परमेश्वर, शिक्षा लेते समय आप उन्हें मदद करें, त्यांना शैक्षणिक आशीष दे,
आप उन्हें आशीष दे, प्रयत्न दे परमेश्वर, उनकी कोशिशों को सफल, घर घर प्रॉब्लम समस्या है परमेश्वर, जो घर घर में समस्याएं हैं प्रभु, प्रत्येक घर शांति आई प्रभु यीशु, हर घर में शांति आए, घर घर तुझे वचन आन परमेश्वर, घर घर में आपका वचन आए, वचना घर लोग उगड़ परमेश्वर, आप उन लोगों के आंखें आपके वचन द्वारा खोल दें, घर घर प्रीति आन परमेश्वर, घर घर में आप प्रीति लाएं, व्यवस्था आन परमेश्वर, और आपकी व्यवस्था लाएं, भय घर आन परमेश्वर, आपका आपका डर उस घर में रहे, अनेक घर कुटुंब प्रश्न समस्या है परमेश्वर, अनेक परिवारों में जो समस्याएं हैं, कहीं संतान संबंधी प्रश्न है परमेश्वर, संतान के बारे में समस्या, संतान तुझे अच्छी जिंदगी है परमेश्वर, संतान ये आपके हाथों का वरदान है, प्रभु यीशु संतान दे परमेश्वर, आपके नाम में हम आप उन्हें संतान दें, संतान द्वारे त्यांचे कुटुंब पूर्ण कर, संतान देकर उनका परिवार आप पूरा कुटुंब आनंदान, उनके परिवार में आनंद लाएं, कुटुंब अच्छी वाड़ कर, उनकी बढ़ोतरी करें, अनेक प्रश्न अनेक समस्या है, अनेक प्रश्न समस्याएं, अनेक काल चिंता है, अनेक जो तकलीफें हैं, तुझे नाम छोड़ो, आपके नाम में छुड़ा, जय विश्वास लोग आले, जिस विश्वास में लोग आए, जिनसे विश्वास वाड़ो, उनका विश्वास बढ़ा, परमेश्वर कितनी चांगले सा अनुभव दे, परमेश्वर कितने अच्छे हैं इनका अनुभव, गौरव तुझस गौरव तुझस गौरव, आपका गौरव आपका गौरव आपका, तुझ नाम से महिमा हो, आपकी महिमा हो, यह स्थली के लिए प्रार्थना है, इस स्थान की गई हुई प्रार्थना, तू वैवाहिक तो आप समय समय पर कार्य करते, कार्य करते हैं, मन में इसलिए मैं पुनः कुछ आभार मानता हूँ, फिर एक बार आपके आभार धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, प्रवेश नान मांगता मन तो आए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं इसलिए, आमीन 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 आमीन, प्रेज़ लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो, पुढच्या बुधवारी अगले बुधवार पुनः एक भेटो, फिर एक बार हम मिलेंगे, नवीन गोष्ठियां भी घेऊन येतो समोर, हम नई चीजें आपके सामने लाएंगे, अजून देवाला में ओळखो, और हम परमेश्वर को पहचान, अजून देवाला में पाओ, और हम परमेश्वर को देखेंगे, देव से गौरव करो, परमेश्वर का गौरव करें, देव जे कह करतो, परमेश्वर जो कुछ करेंगे उत्तम अस्तु, वो उत्तम होता है, तो देव से धन्यवाद करो, उस परमेश्वर का धन्यवाद, दिले वेल दिया हुआ समय, दिले समय दिया हुआ वक्त, ये तो सदुपयोग करा, उसका सही उपयोग करें, देवा कड़े जा, परमेश्वर के पास देवाला प्रार्थना करा, परमेश्वर को प्रार्थना, देव कितनी चांगला है, परमेश्वर कितने अच्छे है, मैं अनुभव घेतला, मैंने उसका, माझ्या कुटुंबाने घेतला, मेरे परिवार ने लिया, माझ्या मंडळीने घेतला, मेरे कलीसियाने लिया, तुम्ही भी घ्या, आप भी ले, देवाचा गौरव करा, परमेश्वर का गौरव करें, सुरक्षित रहा, सुरक्षित रहें, सुखी रहा, सुखी रहें, शांति रहा, शांति में जिए, प्रेज़ लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो।